सा खुदा है, अपने खुदा की हम मदा सराई करेंगे, अपने खुदा के आगे झुकेंगे, अपने खुदा को पुकारेंगे, क्योंकि हमारा खुदा ही है जो आसमान और जमीन का खालिक का मालिक है, और हमारा ऐसा बाप है जो हमारी फिक्र करता है, वो हमारा ऐसा बाप है जो हमारे मांगने से पहले ही जानता है, वो हमारा ऐसा बाप है कि वो हमारे से पहले ही मौजूद होता है। आए उसका शुक्र अदा करें कि वो हमारे हर तरह के हालात से, हमारी हर तरह की फिक्र से, हमारी हर तरह की बात से वाकिफ है। आए खुदावन का शुक्र अदा करें। और यस लॉर्ड हालेलुया ग्लोरी टू जीसस। खुदा बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू ही है जो आसमान और जमीन का खालिक का मालिक है, तू ही है जो हमारी जिंदगियों का बनाने वाला और हमें शेप देने वाला है, तू ही है जिसने हमें माँ के पेट में बाप सूरत बख्शी और तेरे हाथों ने हमें खूबसूरत बनाया, बाप हमें जीती जान बनाया। तेरे शुक्रगुजार है इस बात के लिए कि अंदवन हमें तूने शेप दिया है, हम तेरे हाथों की हसीन दस्तकारी है। बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं, आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव तले की चौकी है। कोई तुझ जैसा खुदा नहीं है, कोई तुझ जैसा महबूद नहीं है, कोई कोई तुझ जैसा है ही नहीं है। बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि तूने अपने लोगों से ऐसी मोहब्बत रखी है कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी को हासिल करे। ऐ बाप तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए बाप तेरा शुक्र गुजार है बाप, जिसमें हमें नई जिंदगी मिलती है, जिसमें हमें नई सूरत मिलती है, जिसमें हमें नई सोचे मिलते हैं, नए ख्याल मिलते हैं, नए थॉट्स मिलते हैं, और नई जिंदगी मिलती है, नए इरादे मिलते हैं, नई स्पिरिट मिलती है, नया जोर मिलता है, नई जिंदगी मिलती है, हालेलुया इंटरनल लाइफ मिलती है। और बाप तेरा शुक्र अदा करते तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए जो हमारी रहाई है, जो हमारी फतह है, जो हमारा जोर है, जो हमारी खुशी और शादमानी है, जो हमारा हकीकी चरवाहा है, जो जिंदगी का दरवाजा है, जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, जो जिंदगी की रोटी है, जो बाप बाप बेहतर सोता है। बाप हम तेरे शुक्र गुजार हैं दामन, जो सहरा में नदियां जारी करते हैं। बाप तेरे बेटे के लिए तेरा शुक्र गुजार, तेरी तारीफ सिताइश करते हैं। हम तेरे शुक्र गुजार है बाप तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए और पाकरू की जुम्बश के लिए, जो उसने वादा किया कि मैं तुम्हें यकीन में छोड़ूंगा बल्कि दूसरा मददगार, इस मददगार के लिए बाप तेरे शुक्र गुजार है, तेरा ही शुक्र अदा करते हैं। और यस हालेलुया बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने कहा कि अपनी सारी फिक्र मुझ पर डाल, मुझे तुम्हारी फिक्र है, तूने कहा कि अपने मेरा अपना बोझ मुझ पर डालो क्योंकि मेरा और मेरा बोझ हल्का और मेरा जीवा मुलायम है। बाप तूने कहा कि अपने क्योंकि तुम अपने तुम्हें अपने जिंदगी में फिक्र करके एक घड़ी भी कम या ज्यादा नहीं कर सकते हो, तुम अपने सर का बाल भी सफेद या स्याह नहीं कर सकते हो। बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं यास मारे, हर एक चीज तेरे प्यार में है, हर एक चीज तेरे कंट्रोल में है, हमारी सांसें तेरे कंट्रोल में है, तेरी आंखें जमीन को जमीन पर निगाह करती है, तेरी आंखें बाप जो शोला की मानिंद है, आग के शोला की मानिंद है, चमकती है और देखती है, हमारे कामों को जांचती है, हमारे कामों को परखती है, हमारे कामों को देखती है बाप, तू हमारे तू हमें देखता जांचता है बाप। हम तेरे शुक्रगुजार है बाप कि तू बाप अंधेरा भी तेरे सामने छिपा हुआ नहीं है, हर चीज हमारा दिल हमारा ख्याल हमारे पास बाप हमारे इरादे तुझसे छिपे हुए नहीं है, हमारे काम तुझसे छिपे हुए नहीं है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए बाप आसमानी बाप, कि जिसके जो उन चिराग दानों में घूम फिरता है बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और यस हालेलुया और रोजोरजीरे शिंदर बेरेजीरे जोरे बेरे बेरेजीरे शिंदर वोरजीरी, तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो, तेरी हम तेरी सिताइश करते हैं जलाल के बादशाह, हम तुझे मुबारक कहते हैं यस माय लॉर्ड। सो खुदावन बाप इस्लाम है बाप पूरे ग्रुप के लिए, ए बाप दान और सिस्टर शाहीन के लिए और जो प्रिजाइड करते हैं, जो दान ए बाप आसमानी जो सॉरी जो दान ए बाप दावन कलाम पढ़ते हैं और जो कलाम की रीडिंग करते हैं और जो दावन वर्शिप करते हैं बाप, जो हर तौर से किसी भी तरह से शामिल है बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ और तेरी सिताइश करते हैं जलाल का बादशाह। बख्श दे क्या बाप हमारी सारी बातों से, हमारे सारे कामों से, हमारी सारी वर्शिप से, हमारे सारे दावन बाप गीतों से, वापस वाली कलाम सुनने से, कलाम बोलने से, पढ़ने से बाप, सारा जलाल बात तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम के मिले और तू हमारी जिंदगी में अपने कलाम
की जड़ों को अब मजबूत करता चला जा। तू अपने हमारी जिंदगी में अब अपने कलाम को नाजिल करता चला जा। अब आप हमारे जिंदगी में तेरा कलाम है अब जोर पकड़े, तेरा कलाम हमारी जिंदगी में हड्डियों में ताजगी को लाए, तेरा कलाम हमारी हड्डियों में शिफा को लाए, तेरा कलाम हमारी हड्डियों में दावन अबाप दावन अबाप हर वो नॉर्मेलिटी है जो वो दावन जाती रहे तेरा कलाम के वसीला से, तेरा खून के वसीला से, तेरी हजूरी के वसीला से, दावन तेरा लहू के वसीला से, तेरे अजाने के वसीला से, तेरे पाक रूह के वसीला से आज खुदावन हम रूहानी जिस्मानी जी का शिफा नांच लिया बाप, दावन अपनी शिफा को हासिल करें यीशु मसीह के नाम से बाप, और दुश्मन शिकस्त का हमारी जिंदगी से बाप इन द नेम ऑफ आज अपनी बंदी कर ले और आपका शला बनाकर इस्तेमाल कर अपना कलाम नाजिल फरमा कर। तू तेरा कलाम करता तो अपना कलाम नाजिल फरमा कर शिफा देता है आज जहां जहां जिस जिंदगी को शिफा की जरूरत है बाप जिंदगी में अपने बदन में अब जिन ऑर्गन में जिन हड्डियों हड्डियों में बाप दावन आज वो शिफा का कलाम नाजिल है यीशु मसीह के नाम से बाप, आज वो नबूवत का कलाम नाजिल है बाप यीशु के नाम से बाप, आज वो बंधन खुल जाए आज वो टूट जाए आज हमारा बदन शिफा पाए यीशु मसीह के नाम से बाप, आज बदन दावन है बाप ऑर्गन नए बन जाए बाप इन द नेम ऑफ यीशु मसीह के नाम से बाप, खून नया बन जाए हड्डियां नहीं हो जाए जोर नया आ जाए कुवत नहीं आ जाए जब तेरी बंदी खुदा कलाम करे और खुदा से कलाम करे नबूवती कलाम करे यीशु मसीह के नाम से बाप, आज खुदा अपनी बंदी को अपना जोर दे कुवत दे अपना मस्सा दे अपनी ताजगी दे दावन ताकि बाप अपनी बंदी को अपना जोर दे अपनी कुवत दे अपने जलाल में अपने मसा में बढ़ाया दावन यीशु मसीह के नाम से बाप, तेरी हजूरी तेरे बच्ची पर जोर से दावन बरसे तेरा आसमान खुला रहे यीशु के नाम से बाप, पाकरू की मामूरी से मामूर होती चले जाते बेटी है बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं यस यस हालेलुया वंडरफुल तेरा शुक्र अदा करते हैं हम साज वाला बात सत्य शहर की जिंदगी से तेरे यीशु नाम को लेते हैं आज खुदावन जो कलाम दावन तू करे अपने बच्ची से दावन वाजिया कलाम कर दावन जिस तौर से तूने कल है बाप दावन वाजिया कलाम किया बच्चों का तालुक से बाप के बच्चे मेरे हैं बाप और यीशु मसीह के नाम से बाप, आज भी दावन अपनी बच्ची को दावन बाप आने वाले सालों में महीनों में तो बाप अपने बच्चे को दान तो वाजिया अब आप कलाम देता चला जा दावन तेरा शुक्र अपनी बादशाह की वसत के लिए अपने लोगों की दावन ताजगी के लिए दावन अपने लोगों की शिफा के लिए बाप उनकी बढ़ोतरी के लिए बाप उनके आगे बढ़ने के लिए उनकी तसल्ली के लिए अब आप तेरा शुक्र अदा करते हैं सो अपने बच्चे के साथ और यीशु मसीह के नाम से बाप या हिकमत काम दानिश अकल में खर्द में अब आप इम्तियाज के रूप में तेरी बच्ची दावन अब आप बढ़ते चले जाए यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ यीशु के नाम से बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ हम साज वाला बता यीशु नाम को देते हैं इस तरह बाप जा सके दावन आज दावन बाप तूने दावन ये दावन इस बारे में दावन ये गिफ्ट दिया है पाखरू की जो नेमत के बारे में क्या बाप हमें रूहों के इम्तियाज रूहों का इम्तियाज करना है हमने कैसे रूहों को परखना है हमने कैसे जिंदगियों को जानना है कैसे लोगों को देखना है और यीशु मसीह के नाम से आज खुदावन तू हमसे कलाम कर हमसे बोल और खुदावन यीशु के नाम से ताकि अब आप हम बच्चे ना रहे हम समझ में हम समझदारी में अब आप हम इम्तियाज की रूह में बच्चे ना रहे बल्कि खुदावन दावा रूह के वसीला से अब आप आगे बढ़ते चले जाए और इस रूह को इस नेमत को अब आप अपनी जिंदगी में अब आप डेवलप करते चले जाए तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो यीशु मसीह के नाम से यस यस क्योंकि अब आप दिन बुरे हैं अब आप हमें इम्तियाज की रूह में बढ़ा हमें इम्तियाज की रूह सिखा हमें इम्तियाज की रूह में अब आप दावन अब स्ट्रॉन्ग कर अब आप ताकि अब आप दावन क्योंकि अब आप हम नहीं जानते कि कौन कैसा है लेकिन तू सब कुछ जानता है तेरा पाखरू सब कुछ जानता है और तेरे लोगों को बताता और समझाता है सो तेरा शुक्र अदा करते हैं दावन ऐसे लोग जो भेड़ियों की शक्ल में है अब आप फाड़ने वाले भेड़ उनकी शक्ल में है दावन हम उनको जान जाए हम उनको
को समझ जाए, उनके इरादों को, उनके ख्यालों को, उनकी स्टडी को ए बाबा हम ना अपनाए, यस्सु अल मसीह के नाम से बाप, इन द नेम ऑफ यस्सु नासरी के नाम से बाप, हम वो स्टडी जो तू हमें देना चाहता है अपने पाकुर के वसीला से, अपने कलाम में रहते हुए हम उसको लेते चले जाए और तेरे नाम में बढ़ते चले जाए, तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो, यस्सु अल मसीह के नाम से बाप हम ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। निदा हमारे साथ है कि नहीं? हेलो, नहीं है निदा? नहीं है हमारे साथ? नंजना से रिक्वेस्ट, अभी किसकी उसने है? हेलो सिस्टर जी, मुझे बोला है? हेलो माया, हाँ सॉरी सुनिए, हम माया के साथ हम वर्शिप करेंगे, तो माया के साथ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ जय जयकार, जय जयकार करे वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे उस पर जिसका भरोसा भरोसा, ओ तो कभी न डरेगा डरेगा, चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाम, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, ओ तो कभी न डरेगा डरेगा, चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकार, सब संकट से सब कष्टों से ले जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसी की महिमा गाए, हस्तकला को बताए, स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसी की महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए, सारी सृष्टि उसकी रचना उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, आमीन आमीन। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हम एक आयत पढ़ेंगे, क्रम मुकद्दस मत्ती की अंजील सातवां बाब 15 से हम सुनेंगे। Mm-hmm.
झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेस में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। जो मुझसे ऐ खुदावन ऐ खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि खुदावन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि हमने अपने अंदर जो एक इम्तियाज की जो रूह है, पहचानने की जो रूह है, वो हमें अपने अंदर रखनी है, वो हमारे अंदर होनी चाहिए। जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो जरूर है कि मतलब हम किसी ऐसी गलत स्टडी का शिकार हों, हम किसी ऐसी गलत तालीम का शिकार हों, हम किसी ऐसे हाथों में जाएं मतलब जो के सही नहीं है, जो हमें सही गाइड नहीं चल लेकर सही गाइड नहीं करते हैं, तो जरूर है कि हम मतलब उनकी उनकी गलत स्टडी का शिकार हो। तो जरूर है कि हमें पहचानना है कि ये क्या ये स्टडी कलाम के मुताबिक है, क्या ये बंदा खुदावन की मर्जी पर चल रहा है, क्या ये बंदा खुदावन की मर्जी को पूरा कर रहा है, क्या वो उसमें मजबूत है, खुदावन में मजबूत है, या मैं जिस चर्च जा रहा हूँ या मैं जिस जो मैं स्टडी ले रहा हूं, क्या वो सही है। तो जरूर है कि हमें लिखा है कि अभी हमने पढ़ा है कि वो उनको उनके फलों से पहचान लेंगे। तो अजीजो हमें खुदा ने इम्तियाज की रूह बख्शी है, तो जरूर है कि हम जो अभी दिन जो है वो इस तरह मतलब खतरनाक है, बुरे हैं और हर तरह की गलत तालीमात, हर तरह की गलत टीचिंग जो हमें नजर आ रही है, हमने इनका शिकार नहीं होना है, बल्कि हमने अपने अंदर जो एक इम्तियाज की जो रूह है वो हमने रख नहीं है, ताकि हम खुदा बाप बेटे और कुदस पर ईमान रखते हुए इस तसलीस जिसमें तसलीस नहीं है, जिसमें बाप बेटा और कुदस नहीं है, जिसमें खून नहीं है, जिसमें सलीब नहीं है, जिसमें मुर्दों में से जीवन की कुदरत नहीं है, जिसमें खाली कफन नहीं है, जिसमें खाली कब्र नहीं है, तो जरूर है कि हम इन तमाम तर स्टडी से हम दूर रहे और हम तसलीस में आगे बढ़े और हम तसलीस की पहचान अपने अंदर रखें और इस तालीम में हम आगे बढ़े और रसूलों की तालीम पर और नबियों की तालीम पर हम चलते जाएं यीशु मसीह के नाम से। यस हालेलुया। सो अज़ीज़ो हम दुआ करेंगे कि खुदावन इस इम्तियाज की रूह में खुदा हमें बढ़ाए और हमें हर तरह की गलत जो तालीमात है उससे हमें बचाए रखे। सो खुदावन का शुक्र और उसकी तारीफ हो। यीशु मसीह आज हमसे कह रहे हैं कि हम उनके फलों से पहचान लेंगे। अब ये पहचानना हमने है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किस चर्च जा रहा हूँ, मैं कौन सी फेलोशिप रख रहा हूँ, मैं कैसे लोगों से मिल रही हूँ, मैं कैसे लोगों के साथ रहता हूँ। ये हालेलुया। यस आज हमें जानना है, हमें पहचानना है। तो खुदावन का शुक्र और उसकी तारीफ और सिफारिश करते हैं। इसी तरह मैं अब आगे सनिया से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सनिया आए और आगे वर्शिप में हमें लीड करें। अगर सराफिन हमारे साथ है तो सराफिन। हर कोई आखे यीशु बादशाह जलाल दा, यीशु बादशाह जलाल दा, दुनिया च कोई नहीं जे सोने नासरी दे नाल दा, नासरी दे नाल दा, हर कोई आखे यीशु बादशाह जलाल दा, यीशु बादशाह जलाल दा, ओदे सोने रूप
पगे चन तारे फिके ने चन तारे फिके ने सोने आत सोना यसु बादशाह जलाल दा सोने आत सोना यसु बादशाह जलाल दा यसु बादशाह जलाल दा दुनिया च यसु बादशाह जलाल दा गीत गाओ जग विच नासरी दे प्यार दे नासरी दे प्यार दे सारे अत उच्चा यसु बादशाह जलाल दा सारे अत उच्चा यसु बादशाह जलाल दा यसु बादशाह जलाल दा दुनिया च कोई नहीं जे नासरी दे नाल दा सोने नासरी दे नाल दा हर कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा यसु बादशाह जलाल दा ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਏ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਪਲ ਹਾਲ ਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਪਲ ਹਾਲ ਦਾ ਪਲ ਪਲ ਹਾਲ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਚ ਯਸੁ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਲਾਲ ਦਾ ਹੈਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਹੈਲੋ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰਾਫਿਨ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਵਾਕਿਆ ਮਾਰਾ ਖੁਦਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜਿਸਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ जैसा कोई भी मबूद नहीं है जैसा वो जलाल से हशमत से ममूर है जैसा कोई भी नहीं है सो खुदावन का शुक्र उसकी तारीफ साइश करते हैं। इस तरह हम एक और हवाला सुनेंगे मत्ती की अंजील उसका दसवां बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है देखो मैं तुमको भेजता हूँ गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में बस सांपों की मानंद होशियार और कबूतरों की मानंद बे आजार बनो। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि खुदावंद हमें बता रहे हैं कि हमने क्या होना है। हमने सांपों की मानिंद होशियार और कबूतरों की मानिंद बेजरर होना है, यानी कि अपनी हिफाजत जो है वो हमने करनी है। लेकिन यहाँ पर अभी जो मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये पता चला कि कबूतर जो एक लफ्ज यूज किया है कबूतरों की मानिंद, यानी हमारी जिंदगी से किसी को नुकसान भी ना हो हमारी जिंदगी से, क्योंकि पाक रूह का, क्योंकि कबूतर जो वो पाक रूह को जो वो है वो पेश करता है। मतलब ये एक जिस तरह यसुम सी पर भी पाक रूह जब आया तो वो कबूतर की मानिंद आया था, तो यहाँ पर भी लिखा है कि कबूतर की कबूतरों की मानिंद बेजरर हो, यानी कि वो जिस तरह कबूतर हमने देखा है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, है ना। तो जरूर है कि हमने मतलब होशियार तो रहना है, हमने अक्लमंदी से काम लेना है, हमने होशियारी के साथ चलना है, लेकिन हमारी जिंदगी से किसी को नुकसान भी ना हो, हमसे कोई कोई इस तरह मतलब कोई भी हमारे हाथों से हमारी बातों से कोई भी हर्ट ना हो, है ना। तो जरूर है कि हम इस जो हमारे जो खुदा हमें कह रहा है कि हमने सांपों के मानिंद होशियार होना है, हर तरह की उस गलत तालीम से गलत स्टडी से गलत लोगों से हमने अपने आप को
बचा के रखना है, बचाना हम खुद नहीं, हम अपने आप को खुद तो बचा नहीं सकते, लेकिन जो खुदा हमें इस नेमत से नवाजता है तो हम उसके वसीला से हम ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो खुदावन का शुक्र और उसकी तारीफ हो कि वो हमें खुद भेजता है, बाप हमें खुद भेज रहा है, खुद हमें कह रहा है कि मैं तुम्हें भेजता हूँ। तो खुदावन का शुक्र हो, आए हम अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप को पाकरू के हवाला करेंगे और कहेंगे कि खुदावंद तू मुझसे, तू मुझे इस इम्तियाज की रूह में तू मुझे बढ़ा, तू मुझे इस इम्तियाज की स्पिरिट में मुझे मजबूती दे, मुझे जिस तौर से तू मुझे इस्तेमाल करना चाहता है तू मुझे बाप ले और मुझे इस्तेमाल कर। खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ सताइश करते हैं। यस फादर गॉड, हालेलुया। इसी तरह हम आगे वफा के साथ हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। हम वफा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वफा आए और आगे वर्शिप में लीड करें। प्रेज द लॉर्ड। ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा मदाम। ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा मदाम। ये दिल को भी बदले, ख्यालों को बदले, ये गुमराह इंसान की चालों को बदले। ये दिल को भी बदले, ख्यालों को बदले, ये गुमराह इंसान की चालों को बदले। है क्या जिंदगी बख्श इसका पैगाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा मदाम। ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा मदाम। जुल्मत में जो लोग फंसे हुए थे, गुनाहों की दलदल में धंसे हुए थे। जुल्मत में जो लोग फंसे हुए थे, गुनाहों की दलदल में धंसे हुए थे। पिलाएगा उनको सदाकत का जाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा कलाम। ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा मदाम। हलाकत से सबको वो जिंदगी मिलाए, यूं भटके हुओं को खुदा से मिलाए। हलाकत से सबको वो जिंदगी मिलाए, यूं भटके हुओं को खुदा से मिलाए। वहां देगा उनको वो अब्दी आराम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा मदाम। ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा मदाम। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वफा, गॉड ब्लेस यू। आप इसी तरह अपनी आवाज को खुदावन के नाम के लिए, उसकी बड़ाई के लिए, उसकी बादशाह की वसत के लिए, उसके नाम को जलाल देने के लिए आप इसी तरह गाती रहे और खुदावन आपके गले को और ब्लेस करे और और मौसर तरीके से आप उसमें और बड़े और उसमें बड़े और अपनी जो तवानाई है, अपनी कुवत है, अपने साथ दिल से, अपने साथ जान से और अपने खुदावन को पेश करें और उसकी वो ब्लेसिंग, वो बरकत वो हासिल कर सके जो वो आपको देना चाहता है। तो हम आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदावन आपके गले को और ले और कसरत से आप इस्तेमाल करें ताकि आप उसके नाम को जलाल देती रहे और अपने गले से, अपनी आवाज से, अपनी जिंदगी से, रूह बदन और जान से। तो खुदावन का शुक्र और उसकी तारीफ उसकी साइश करते हैं। इस तरह हम एक और हवाला पढ़ेंगे, इब्रानियों, इब्रानियों की किताब उसका चौथा बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावन का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। क्योंकि खुदावन का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद बंद और गुदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों
इरादों को जांचता है। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे अपने सारे अपनी इबादत के अगले हिस्से में। सवाए खुदा हमारा खुदावन का कलाम जो मुसर है, जो बंद बंद और गुदे गुदे को चीरता हुआ गुजर जाता है, जो हर तरह के ख्याल को जांच लेता है, जो हर तरह के ख्याल को आजमा लेता है, हर तरह की दिल के इरादों को जांचता है और परख लेता है। आए खुदावन के पाक रूह के लिए उसका शुक्र अदा करें, उसके कलाम के लिए उसका शुक्र अदा करें और अपने आप को हम तैयार करेंगे खुदावन की आवाज के लिए। खुदावन जो भी आज हमसे कलाम करे अपनी बंदी के वसीला से, आज हम रूहानी तौर पर हम मजबूत हों, आज हम बदनी तौर पर मजबूत हों, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ यीशु नासरी के नाम से। आज खुदावन अपने बच्चों की हड्डियों से कलाम करना, आज खुदावन अपने बच्चों के हड्डियों के अंदर जो गुदा है तो उससे कलाम करना यीशु मसीह के नाम से। आज खुदावन हमारे एक एक अज़ू से तो कलाम करना अपनी बंदी के वसीला से, पाक रूह की रहनुमाई के वसीला से बाप, यस तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। आज खुदावन जब मुकाशफे के भेद खोले जाए तब बाप हमारी जिंदगियों में वाकई खुदावन दा बाप खुदावन के बाप वो जो मुकाशफा तुम पर खोलना चाहते हैं वो खुलते चले जाए बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं। सो अपनी बंदी को ले और इस्तेमाल कर, तेरी हुजूरी तेरे बच्चे पर छाई रहे बाप, जहां तेरी बंदी बैठी है तहां तेरे फरिश्ते उसको तकवीयत दे यीशु अल मसीह के नाम से बाप, तेरी पाक रूह की जुम्बश, तेरी आग, तेरी हुजूरी, तेरे फरिश्ते, तेरे लोहू की कुदरत, तेरी सलीब की कुदरत दावन तेरी बंदी के उस चौगिर्द दो, उस सारे माहौल में, उस सारी उदान बाप, उस सारे कमरे में, दान मशरिक मगरिब शिमाल जनूब चारों कोनों में बाप तेरा पाक रूह जुम्बश करे, तेरा फरिश्ते तैनात हो यीशु अल मसीह के नाम से बाप, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ यीशु के नाम से बाप, तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। ये सब कुछ मांग लेते हैं मसीह तेरे बेटे यीशु मसीह के जिंदा जलाली और अलकादर नाम में, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड जी। सिस्टर शाहीन को हम दावत देते हैं कि वो आए और जो मुकाशफा की किताब है उससे रिलेटेड हमसे जो बातें हैं खुदा उनको दी हैं वो हमसे शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड जी। खुदा उनका बरकत दे सुरैया और जिन्होंने प्रस्तिश की, खुदा उनका हम शुक्र करते हैं कि खुदा उनका हाथ आपके ऊपर हमेशा बड़ा रहे और खुदा उनकी जो अकल है, समझ है, जो सात रूहें हैं आपके ऊपर ठहरी रहें ताकि वो तैयार करें खुदा उनके सुमसी की माने बनाएं, ताकि खुदा उनके सुमसी जब बादलों पे आए तो आप हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने वाले हों और खुदा उनकी हजूरी ना सिर्फ आप पे ठहरी हो बल्कि जहाँ जहाँ आप जाएं, जहाँ जिस जिस से मिलें, आपके घरानों के ऊपर भी आपके वसीला से बरकत ठहरी रहे। प्रेज़ गॉड। हम रोटी और पानी के लिए दुआ करेंगे। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो बाप। खुदा इस पानी को और इस रोटी को खुदा तेरे लहू में छुपा देते हैं खुदा। अब ये पानी ना रहे, अब ये रोटी ना रहे, बल्कि खुदा यीशु अब ये तब्दील हो जाए खुदा। खुदा जिस तरह तूने मैं पानी को मैं में तब्दील कर दिया था खुदा, उसी तेरी कुदरत से, उसी तेरी ताकत से ये जो पानी है ये खुदा तेरे लहू में तब्दील हो जाए और ये रोटी तेरे बदन में, ताकि जब हम इसको लें तो खुदा हम वही कुवत, वही ताकत, वही कुदरत, वही तेरी शफाई शफा को रिसीव करें। और खुदा जिस तरह खुदा हम जिससे जैसे भी लें इसको, जिस तरह भी लें खुदा हमारी जिंदगियां तब्दील हो, हमारे अंदर जो गंदगी है नापाकी है खुदा तेरे जोर से, तेरी ताकत से, यीशु के नाम से हमारे अंदर से निकल जाए। हम रूहानी और जिस्मानी शिफा को खुदा तेरे इस खून के वसीला से, इस तेरे बदन के वसीला से अपने बदनों में, अपने घरों में पाए खुदा यीशु के नाम से। हमारे घरों से वो जो बीमारियां लेके आती हैं, वो जो जहनी परेशानियां, डिप्रेशन, किसी भी तरह की बीमारी को लेके आती हैं, किसी भी तरह की परेशानी को, दुख को, तकलीफ को, दर्द को लेके आती हैं, वो सारी बदी की कूकते खुदा उनके यीशु के नाम से, जो हमारी जिंदगियों में नाफरमानी को लेके आती हैं यीशु के नाम से, हमारे घरों से, हमारे बदनों के अंदर से यीशु के नाम से वो सारी खत्म हो जाए, सारी नाराजगी। और खुदा उन तेरी पाकीज की
हमारे बदनों के अंदर, हमारे घरों के ऊपर, हमारे जिस्म के एक एक अज़ा के ऊपर, हमारे घर की एक एक चीज पे, एक एक इंच पे खुदा तेरी पाकीज़गी की रूह ठहर जाए खुदा। खुदा वो हमें धो के पाक और साफ कर दे, ताकि खुदा यसु कोई दाग, कोई धब्बा, कोई झुरी हमारे ऊपर ना रहने पाए। खुदा यसु के नाम से खुदा हमारे बदनों को ले इस्तेमाल कर, और खुदा हमारे बदनों से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। यसु के नाम से खुदा इस दुआ को बड़े ही ईमान और भरोसे से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप इसको ईमान से पानी को पिए जो कि अब खुदा यीशु मसीह का लहू है, और इस रोटी को भी ले ईमान से जो हमारी खुदा यीशु ने अपने बदन को हमारी शफा के लिए तोड़ा था। हालेलुया। हमारी सारी गंदगी को, नापाकी को, गुनाहों को, खुदाओं को खुदा ने अपने ऊपर ले लिया था, ताकि हमें शफा मिले, ताकि हमें रहाई। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम जो मकाशफा की किताब है उसके पहले चैप्टर को थोड़ा सीख रहे हैं, और हमने कल सीखा था कि खुदा यीशु मसीह के जो मुंह है, और के और तलवार के बारे में है ना, और उसका चेहरा जो है यानी वो आफ्ताब की तरह चमक रहा है, और उस चमकने का क्या मतलब था हमने थोड़ा सीखा कि है ना, कि हमारा जब सोचे और ख्याल यानी दिल और दिमाग एक हो जाते हैं, यानी खुदा यीशु मसीह में कह लें तब्दील हो जाते हैं, तो हमारे चेहरे से कह लें जलाल जो है खुदा का नजर आता है। जिस तरह खुदा यीशु मसीह का चेहरा जो था रोशन था, और खुदावन का जलाल उसके चेहरे से नजर आता था। बेशक वो खुद खुदा था, लेकिन वो अपनी कह लें खुदाई को छोड़ के जमीन पे आया था, तो वो मुकम्मल इंसान था, लेकिन उसके बावजूद खुदावन का चेहरा जो था चमक रहा था। यानी तो और तलवार का हमने देखा कि वो खुदा तलवार का हमें पता ही है कि वो कलाम है खुदा का, और वो कलाम जो है क्या करता है, हमारे बंद बंद और गुदे गुदे को जता करके गुजर जाता है, और वो हमारी सोचों और ख्यालों को जानता है। और अगर जैसे कह लें वो गंदे हैं या नापाक हैं, तो खुदावन का कलाम जब हम बोलते हैं तो हमें वो पाक और साफ करने की पूरी कुदरत रखता है, वो जो खुदावन का कलाम है। और फिर हमने सीखा था कि यानी ये खुदावन का कलाम ही या उसके मुंह से जो ये निकलता है यही हमारी गंदगी को, नापाकी को जैसे कहले हमारे अंदर से निकालता है, और यही खुदावन का कलाम जो है हमें जैसे कहले फर्क इम्तियाज सिखाता है आसमानी चीजों के बारे में और दुनियावी चीजों के बारे में। तो अगर हमारा जैसे कहले ध्यान जो है दुनियावी चीजों पे है या दुनिया की फिक्रों में पड़े हुए हैं, तो हमने कल थोड़ा सीखा था कि ये हिस्स जो है यानी ये तो आम सबको दुनिया के लोगों को दी हुई है कि वो यानी छूने से, चखने से, सुनने से, देखने से, सूंघने से, है ना, ये उस उनके पास है, है ना। तो वो दुनिया की बातों को कह लें समझते हैं, लेकिन हमें जो है खुदावंद की कह लें हिकमत जो है वो दी हुई है। और हम जो क्या है जब हमारा खुदावंद के साथ ताल्लुक हो जाता है, तो हम आसमान की चीजों की और जमीन की चीजों की उसको फर्क जो है हमें समझ आता है, और हमारा ईमान जो है यानी हमें पता है कि हमारे लिए आसमान पे खुदावन ने जो कह लें चीजें रखी हुई हैं या हमारे लिए जगह तैयार की हुई है। तो जब ये सोचें ये ख्याल जो है एक जैसे कह लें रूह में बंध जाते हैं खुदावन के रूह में, तो फिर ये हमारे ऊपर जैसे कह लें ये एक भेद जो है खुलता है, और हमारे चेहरे से कह लें खुदाम का जो जलाल है वो जाहिर होता है, और हमारा चेहरा जो है वो कह लें चमकना शुरू हो जाता है जब हमारी सोचे और ख्याल जो है वो एक हो जाते हैं। तो फिर हमारा भी चेहरा कह लें
चमकना शुरू हो जाएगा या हो रहा है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये हमने थोड़ा सा चेहरे पे बात की थी और कि खुदा उनका कलाम क्या है, दोधारी तलवार है। आज हम थोड़ा सा सीखेंगे कि जो 17 आयत है, 17 और 18 आयत के, जब उसने जो यूहन्ना आरफ था, जब उसने यानी खुदावन को देखा, और तो क्या हमारे साथ रीडी में कौन है? मैं हूँ। ओके, सनिया है और सोनिया है मेरे ख्याल साथ, है ना? नहीं, बात पंजाब। ओके जी, हम 17 आयत से 20 आयत, ये 3-4 आयत से हम पढ़ेंगे, इस पे हम बात करेंगे। हाँ जी, पढ़ो 17 आयत से। जब मैंने इसे देखा तो इसके पांव पर मुर्दा सा गिर पड़ा, तब उसने अपना दाहिना हाथ मुझ पर रखा और कहा कि ना डर, मैं अव्वल और आखिर हूँ, मैं वो हूँ जो जिंदा है, मैं मर गया था और देखो अब्दुल अबाद तक जिंदा हूँ, और मौत और आल में अफसल की कुंजियां मेरे पास हैं, बस जो कुछ तूने देखा है इसे लिख ले, यानी वो बातें जो अब हैं और वो भी जो इनके बाद होने वाली हैं, जो 7 सितारे तूने मेरे दाहिने हाथ में देखे हैं इनका और सोने के 7 शमादानों का भेद ये है कि 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं और 7 शमादान 7 कलीसियाएं हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी, प्रेज द लॉर्ड जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो हमने इस आयत में देखा, 17 आयत में, कि जो यूहन्ना था, जब उसने खुदावंद के इस जलाल को देखा, और इस जो सारा कुछ हमने पीछे थोड़ा सीखा है थोड़ा थोड़ा, तो वो क्या हुआ, मुर्दा सा होकर खुदावंद यीशु मसीह के कहले पांव में गिर गया। क्योंकि हमें एक तो ये है कि कलाम बताता है कि खुदावंद को देख के कोई जिंदा नहीं रह सकता, है ना। खुदावंद क्योंकि इतना पाक है कि खुदावंद को देख के कोई जिंदा नहीं रह सकता। दूसरा फिर हम देखते हैं कि जो एक पुराने अहदनामे में यानी ये था कि कोई अगर पाक नहीं है और कोई यानी खुदावंद को देख नहीं सकता। मेरा हाल मूसा को जब खुदावंद ने कहा था कि, है ना, खुदावंद क्योंकि इतना पाक है उसे कोई देख के जिंदा नहीं रह सकता, तो खुदावंद ने मूसा को उसने कहा था कि खुदावंद ने सॉरी मूसा ने कहा था कि खुदावंद तू अपने आप को मुझे दिखा, तो उसने खुदावंद ने कहा कि तू मुझे देख नहीं सकता लेकिन जो मेरी बैक है वो तू देखेगा, है ना। तो इसलिए क्योंकि गुनाह हमारी जिंदगी में होता है, तो गुनाहगार जो है वो उस खुदावंद को जलाली तौर पे नहीं देख सकते। वैसे खुदावंद को हम जैसे कले ख्वाब में देखते हैं या रोया में देखते हैं, वो इंसानी रूप में या रोशनी की सूरत में, लेकिन जिस तरह ये यूहन्ना आरफ इसको खुदावंद को देख रहा है ना, उस तरह से देख के कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो उसके अंदर एक कह लें एक डर था आया, एक खौफ आ गया जो यूहन्ना आरफ था, है ना। लेकिन खुदावंद ने देखें अपना हाथ बढ़ाकर उसको कह लें कि कहा कि तू खौफ ना कर, कि अब जो है क्या है, आलमे रवा की कुंजियां जो है यानी कह लें मौत और कह लें कि जहन्नम की जो कुंजियां हैं, जो चाबियां हैं, वो मेरे पास है, इसलिए अब तू खौफ ना कर के अब तू नहीं मरेगा, यानी मुझे देख के तू जिंदा रहेगा। यानी ये खुदावंद का कहले जो दाहिना हाथ है, जैसे कल भी हमने थोड़ा सा सीखा था कि खुदावंद के दाहिने हाथ में यानी वो जो 7 सितारे हैं वो इस चीज को पेश करते हैं कि खुदावंद ने हमें संभाला हुआ है, खुदावंद कि कुदरत वाले ताकत वाले हाथ में है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि खुदावंद ने अपना दाहिना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया कि खौफ ना कर, है ना, मैं क्या हूँ, अव्वल हूँ, मैं आखिर हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं मर गया था और देख अब्दुल आबाद
जिंदा रहूंगा। यानी ये दोनों आयतें जैसे कह लें इकट्ठी हैं, 17 और 18 है ना, कि यानी जो क्या है मौत का, मौत के ऊपर भी खुदावन ने फतह पा ली खुदावन यीशु मसीह ने, और जहन्नम के ऊपर भी फतह जो है वो पा ली थी, और खुदावन ने वो चाबियां जो थी जो के कह लें अब्लीस ने कह लें उसके ऊपर कब्जा किया हुआ था या उसके पास थी, तो खुदावन ने वो चाबियां जो थी वो ले ली थी। खुदावन यीशु मसीह ने जब सलीब पे जान दी थी तो खुदावन यीशु मसीह के पास वो सारी कुदरत या ताकत जैसे कह ले आ रही। और ये हम, मेरा ख्याल थोड़ा सा आपको याद होगा जिस वो क्या जो क्या तमसील है जिसमें हम अमीर आदमी को और लाजरस को देखते हैं कि वो इब्राहिम की गोद में है, और जो अमीर आदमी था वो जहन्नम में था, वो जल रहा था और बीच में एक कड़ा था। तो पहले क्या था यानी जो पाक रूहें थी और जो जहन्नम में कह लें रूहें थी जो सजा पा रही थी या जो कुछ भी इनके साथ हो रहा था, तो वो भी एक ही जगह थी। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह स्लीप पर उन्होंने जान दी तो वो नीचे जमीन में गए या कह लें उस जगह पे गए जहां पे एक किस्म का उसने कैद किया हुआ था। तो खुदावंद यीशु मसीह ने वो उन रूहों को जो वहां पे कह लें बंद थी या कैद थी जो, और उनको एक ये आयतें हम नहीं पढ़ रहे, तो खुदावंद ने उनके लिए एक आसमान पे जगह बनाई या जन्नत कह लें या फरदौस जो है, और खुदावंद यीशु मसीह उनको ऊपर ले गया, आसमान पे ले गया जो तो इसलिए खुदावंद के पास अब सारी जो कुंजियां हैं जो चाबियां हैं खुदावंद यीशु मसीह के पास है। इसलिए खुदावंद ने यूहन्ना आरफ को कहा कि तू ना डर, है ना। और इसका ये भी मतलब है यानी कि इस आयत का कि मूसा की शरीयत दी थी जिससे किसी को निजात जो है, मुक्ति जो है वो नहीं मिल सकती थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की वजह से उसके फजल की बदौलत जो उस पे ईमान लाएगा उसकी सच्चाई पे कायम रहेगा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमें बचा सकता है, वो जो है हमें उस कहले जो रूहानी तौर पे मुर्दा है या जो बचाए नहीं जाते खुदावंद के फजल की वसीला से, उसके जान देने के वसीला से हम क्या है बचाए जाते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना आरफ को कहा कि तू ना डर, है ना, तू खौफ ना कर, है ना। तो इसलिए जो ये 17 आयत है इसका जैसे कह लें ये मीनिंग है कि अब हम खुदावंद यीशु मसीह को देखेंगे, रूबरू देखेंगे जब कह लें आसमान पे जाएंगे। और जो 18 आयत है उसका भी यही मीनिंग, मतलब जैसे हमने थोड़ी बात की कि जहन्नम पे और शैतान पे क्या था, खुदावंद ने फतह पा ली थी, इख्तियार जो था अब खुदावंद यीशु मसीह के पास है, ताकत जो है खुदावंद यीशु मसीह के पास आ गई, खुदावंद यीशु मसीह ने इन दोनों के ऊपर फतह जो है पा ली है, और खुदावंद यीशु मसीह ने ये जो मकाशफा है ये रेवलेशन जो है यानी ये भेद जो है वो खुदावंद कलीसिया के ऊपर खोल रहा है कि अब हम ना डरे। और ये यूहन्ना आरफ पे इसलिए यानी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू अब खौफ ना कर, डर ना, है ना, क्योंकि खुदावंद जो है हमारा यीशु मसीह जो क्या है वो जलाली है, और खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पे और जहन्नम पे शैतान पे क्या है फतह जो है वो पा ली है। तो ये कलीसिया के ऊपर जो है एक भेद जो है वो खुला होना चाहिए कि हमने ठीक है जैसे रूहानी तौर पे हम जब गुनाह करते हैं तो मर जाते हैं, हम मुर्दा हो जाते हैं ना, लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लेके आते हैं और तौबा करते हैं माफी मांगते हैं तो क्या है हम जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि जैसे हम सीखा था शायद आपको याद हो कि जिनके नाम बर्रे की किताब में लिखे हुए हैं उन पे जो मौत है उसका जोर जो है वो नहीं चल सकता, वो क्या है अब जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। तो इसलिए ये जो एक मकाशफा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने इस वक्त यूहन्ना आरफ पे खोला कि क्या है मैं मर गया था लेकिन अब क्या हूँ मैं जिंदा हूँ, और मैं अब्दुल आबाद यानी
अब कभी नहीं मरने वाला है ना, और क्या है, मैं अव्वल हूँ, मैं आखर हूँ, अब तो खौफ ना कर, यानी मैंने मौत पे जो है फतह वो पा ली है, और मैं जिंदा हूँ तो जो मुझ में कायम रहेगा वो भी क्या है, वो जिंदा रहेगा हमेशा तक, है ना, जो खुदावंद यीशु मसीह में। तो इसलिए वो खौफ से कह लें, डर से जो था मुर्दा सा हो गया था, लेकिन जब हम जैसे कह लें हम गुनाह में होते हैं तो क्या होते हैं, हम मुर्दा से होते हैं एकदम, लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं तो क्या है, हमें जिंदगी मिल जाती है। तो इसलिए इस आयत का कह लें कि ये मतलब है कि अब क्या है, खुदा यीशु मसीह के पास जहन्नम की दोजख की यानी कुंजियां जो है, और मौत के ऊपर और शैतान के ऊपर खुदा यीशु मसीह ने क्या है पता जो है वो पा ली है, है ना। तो इसलिए कलीसिया पे ये भेद जो है ये खुला होना चाहिए। खुदा यीशु मसीह ने ये कहा कि खौफ ना कर, है ना, यह ना रखो। तो लेकिन ये है कि खुदावंद जो है साथ, जैसे कह लेंगे, मैं बार बार यही बताती हूँ कि खुदावंद के उस मियार तक जो है हमें पहुंचना है, किस तरह जिंदगी जो गुजारनी है, यानी वो भी साथ खुदावंद जो है मकाशपा जो है वो हमारे ऊपर खोलता है, है ना। तो ये 20 आयत जैसे कह लें, इस पे थोड़ी बात करने से पहले जो 11 आयत है उस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, जिसमें हमें ये कलीसियों के नाम जो है मिलते हैं। बाकी जो डिटेल है वो अगला जो चैप्टर होगा उसमें हम बात करेंगे। जो 11 आयत है अंजना आप ये पढ़ना। हाँ जी बाजी, सेम चैप्टर उसकी 11 आयत, ये निकलीसियों के नाम जो है। हाँ जी, कि जो कुछ तू वेखता है सो एक पोथी विच लिख ले, अते सत्तां कलीसियावां नू काल दे अर्थात अफसस नू, समरूने नू, पर्गमुम नू, थुते थुआतीरे नू, सार्दीस नू, फिलदल्फिये नू, अते लाओदीकिये नू। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। ओके, ये जो सात कलीसियाएं हैं, अगले चैप्टर जो दूसरा चैप्टर है उसमें इसी पे बात होगी, लेकिन इस चैप्टर में भी क्योंकि थोड़ा जिक्र हुआ है, सिर्फ उनके नाम लिए गए हैं ना, तो इसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो जो दो बाप है उसकी 16 आयत पढ़ना अंजना। दो बाप उसकी 16 आयत, इसलिए तौबा करो, तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे कोल छेती आवांगा अति उन्हां नाल अपने मुंह दी तलवार दे नाल लड़ांगा। हाँ जी, बस। तो ये जो कलीसियां है यानी सात कलीसियां जो है, इसमें जो खुदावंद जो है समरना की कलीसिया उसके साथ बात कर रहा है कि तू तौबा कर, है ना। तो ये कह ले हमसे भी खुदावंद ये सात कलीसियों से जो बात हो रही है वो असल में अब जो हम नए अहदनामे के कह ले मसीही हैं उनके साथ खुदावंद जो है बात कर रहा है। तो पहली जो कह ले एक जो मैसेज है या खुदावंद जो बात हमसे कर रहा है कि तौबा कर, है ना। और दूसरी जो एक यानी ये मकाशवा जो है ये खुदावंद ने हमारे ऊपर खोला है इस चैप्टर में, ये जो फर्स्ट चैप्टर है कि खुदावंद कह रहा है कि तौबा कर। पहला जो मकाशवा है जो खुदावंद हमारे ऊपर खोल रहा है, ये कल जो हमने सात जो सितारे थे हमने सीखा कि ये क्या है, कि खुदावंद के खादम है जो कलीसियाओं में जैसे फरिश्ते हैं या खुदा के खादम हैं, ये क्या कर रहे हैं कलीसिया तक, चर्च तक खुदा का जो पैगाम है वो पहुंचा रहे हैं। तो उनका काम क्या है या उन्होंने पैगाम क्या पहुंचाना है कलीसिया को, ये मकाशपा उनके ऊपर खोलना है कि हम क्या करें, तौबा करें। और दूसरा मकाशपा क्या है, ये हम यही दो चैप्टर और उसकी 25 आयत पढ़ना अंजना।
दूसरा चैप्टर हां जी मैं तानू अर्थात थुआ तीरे दे विच होना लोकां नू जिन्हां कोल इह सिख्या नहीं है अते जिहड़े उहनां गल्लां तों महरम नहीं जिहड़ियां शैतान दीआं डूंघीआं गल्लां कहाउंदीआं हन इह कहिंदा कि मैं तुहाडे उत्ते होर पार नहीं पाउंदा तां जो कुछ तुहाडे कोल है मेरे आंदी कोल सो तकड़ाई नाल फड़ी रखो। हाँ जी, यानी इस कलीसिया पे या ये भी भेद जो है, हम जो मसीही है खुदावंद इनके पर ये भेद जो है या ये मकाशफा जो है वो खोल रहा है कि जो कुछ भी हमारे पास है जो खुदावंद ने हमारे पर अभी और ज्यादा जैसे कहले मकाशफे नहीं खुले, लेकिन जितना हमारे पास है, जितना हमें खुदावंद का कलाम जो है पता चलता है, अगर हम उसी को थामे रखें उसी पे अमल करें, जैसे हमें निजात मिल गई है ना, या आगे जो कुछ मकाशफे हैं वो खुदावंद ने खोले हैं हमारे ऊपर, तो हम क्या करें उसको कस के थामे रखें, ताकि क्या है हम उस मौत की तरफ ना जाएं या उस जहन्नम की आग की तरफ ना चले जाए, है ना। तो इसलिए जो कुछ भी हमारे पास है उसको जोर से कस के थामे रखें। तो ये मकाशफा खुदावंद ने हमारे ऊपर कलीसिया के ऊपर खोला है। और तीसरा जो है मकाशफा वो खुदावंद ने खोला है हम मसीहियों के ऊपर, ये तीन चैप्टर और उसकी तीन आयत पढ़ना अंजना। हाँ जी, तीसरा चैप्टर इसी का रेवलेशन का तीन आयत। इसलिए चेते कर कि तू किस विध प्राप्त किया ते सुने उदी पालना कर ते तौबा कर, उपरांत जे तू ना जागिया ता मैं चोर वांगू आवांगा, तेनू मूलो पता नहीं पता भी ना होवेगा जो मैं तेरे ऊपर केड़ी घड़ी आ पावांगा। हाँ जी, तो इस मुकाशफे को भी खुदावंद ने खोला है कि मैं चोर की मानिंद आने वाला हूँ, यानी जो लोग जागते ना होंगे, जो मतलब मुर्दा कामों में फंसे हुए हैं, तो खुदावंद उनके ऊपर ये मकाशफा या भेद जो है वो खोल रहा है कि वो चोर की मानिंद आ जाएगा, कि उनको पता भी ना होगा। कुछ लोग जैसे समझते हैं कि ओ मैं अभी तो बच्चा हूँ या अभी जवान हूँ, मैं ये काम कर लूँ तो जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो तब मैं तौबा कर लूंगा या तब खुदावंद के साथ सीरियस जो है वो चलूंगा। लेकिन खुदावंद कह रहा है कि मैं तो तुझे टाइम का पता ही नहीं है, मैं चोर की मानिंद आ जाऊंगा, है ना। तो ये मकाशफा भी खुदावंद ने हम मसीहियों के ऊपर और ये सात कलीसियां जो हैं उनके ऊपर खोला था, ये हम दूसरे चैप्टर में बात करेंगे, है ना। और एक और रेवलेशन जो है, एक मकाशफा जो है खुदावंद ने खोला, ये तीसरा चैप्टर उसकी 11 आयता पढ़ना। मैं छेती आंदा हां जो कुछ तेरे कोल है सो तकड़ाई नाल फड़ी रख, किते इयो ना होवे कि कोई तेरा मुकुट ले जावे। हाँ जी, प्रेज गॉड, है ना। तो ये भी एक मकाशवा जो है वो खुदावंद ने खोला है कि मैं जल्दी आने वाला हूँ, कोई तेरा ताज छीन न ले। ये मकाशवा जो है ये कह लें कि ये भी एक ये उन लोगों के लिए है जो हर वक्त तैयारी की तरफ लगे हुए हैं या तैयारी की अपने आप को तैयार कर रहे हैं, लेकिन खुदावंद और ज्यादा उनको जैसे कह लें कि कह रहा है कि कोई तेरा ताज ना छीनने पाए, है ना। तो मैं जल्दी आने वाला हूँ, इसलिए क्या है हमें हर वक्त ही तैयार रहना है। हमें ये नहीं इंतजार करना कि जब हम बूढ़े होंगे अभी मैं सारे काम कर लूं तो तब तैयार होऊंगा। तो खुदावंद ने ये एक किस्म के कह लें ये चार तरीके से कह लें जो मकाशफे हैं या भेद जो है जो कलीसियों के ऊपर खोले हैं और हम मसीहियों पे भी यानी इनको खोला है कि मैं जल्द आने वाला हूँ ताकि तेरा ताज कोई छीन ना ले, है ना। यानी हमने तौबा करनी है, जो कुछ हमारे पास है उसको बड़े जोर से थामे रखना है ताकि कोई छीन ना ले हमसे। और फिर खुदावंद कह रहा है कि मैं चोर की मानिंद आने वाला हूँ, तो इसलिए क्या है यानी ये ना हम सोते रहे, है ना, यानी रूहानी तौर पे। और फिर चौथा जो है मकाशफा वो खुदावंद ने इस तरह खोला कि मैं जल्दी आने वाला हूँ। तो अगर तो हम यानी जो दुल्हन की मानिंद तैयार हो रहे हैं वो ये वाला मकाशफा उनके ऊपर खुलता है कि मैं जल्दी आने वाला हूँ, यानी हर वक्त ही हम तैयार हैं, है ना। तो ये भी एक जो कलीसियों के बारे में खुदावंद ने जो 11 आयत में हमने पढ़ा,
तो ये मकाशवा जो है उनके ऊपर खुलता है ना। तो अब हम जो लास्ट है एक वर्स जो है कह लें 19 और 20 आयत में, जिसमें हमने कल थोड़ा सा सीखा था कि 7 सितारे जो है वो असल में क्या हैं, वो 7 खुदा के खादम हैं जो कि खुदावन का जो पैगाम है कलीसिया तक पहुंचा रहे हैं। और हमने थोड़ा कल सीखा था कि खुदावन ने उनको अपने हाथों में क्या है संभाल रखा है, खुदावन के हाथों में है वो खुदा के जो खादम है, है ना। तो वो खुदावन ने उनको कहा था कि ना डरे, 7 जो सितारे हैं वो खुदावन के हाथ में हैं और 7 चिरागदान जो हैं 7 कलीसियाएं हैं यानी 7 चर्च हैं। और खुदावन क्या है उन कलीसियाओं में क्या है चलता फिरता है, उनकी जरूरतों को जैसे कह लें पूरा करता है, किसमें तेल कम है, किसको कौन सी गजा जो है वो चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, यानी खुदावंद यीशु मसीह क्या है उन चिरागदानों में जैसे कह लें तेल जो है वो डाल रहा है या जो भी उनकी जरूरत है वो पूरी कर रहा है ना। तो ये हमने थोड़ा सा कल इस पे बात की थी। और दैनीय हाथ को भी हमने सीखा था, यानी जोर वाला, ताकत वाला, कुदरत वाला हाथ है दैनीय हाथ जो है उसमें खुदावंद ने संभाला हुआ है। तो आज हम जो 7 चिरागदान है थोड़ा सा इस पे देखेंगे। और असल में ये चिरागदान क्या है थोड़ा सा ये इस पे बात करेंगे कि 7 चिरागदान असल में क्या है, 7 कलीसियाएं भी हैं और खुदावन जो है खुद खुदावन यीशु मसीह भी क्या है चिरागदार है। और हमें भी क्या कहा गया है चिराग कहा गया है, यानी हमने भी जलना है और खुदावन यीशु मसीह खुद ये जो चिराग है वो खुदावन यीशु मसीह है, है ना। ये चिरागदान जो है वो खुदावन यीशु मसीह है, यानी हर कलीसिया जो है वो किसकी है खुदावन यीशु मसीह की है। तो ये भी भेद हम पे इस तरह खुलता है कि खुदावन यीशु मसीह की कलीसिया जो है या खुदावन यीशु मसीह जो कलीसिया है वो खुदावन यीशु मसीह का बदन है, ये एक भेद है। और ये कह लें कि सब पे ये भेद जो है वो नहीं खुला कि खुदा कलीसिया जो है वो खुदावन यीशु मसीह का बदन है, खुदावन यीशु मसीह ही है कह लें वो चिरागदान या वो कलीसिया जो है। तो ये चिरागदान जो है आप सबको याद होगा जो पुराने हैं कि जो हैकल है या पाक तरीन मकाम पाक मकाम जो था उसमें क्या है सिर्फ एक चिरागदान जो है ये जो जिसको चिरागदान या मनोरा भी कहा जाता है, तो ये है उसमें सिर्फ एक ही चिरागदान जो था वो जलाया जाता था। और उसमें तेल वगैरह कल हमने सीखा था क्या ना, वो जो सरदार काहिन होता था महान पुजारी होता था वो उनको साफ किया करता था या उनमें तेल वगैरह डाला करता था तो वो किया करता था। तो लेकिन चिरागदान क्या है एक ही होता था। और हैकल में या वो खैमा इस्तेमा जो होता था पाक मुकाम जो होता था वहां पे उसकी रोशनी जो है उससे यानी रोशनी होती थी। तो बिल्कुल इसी तरह जो जो रोशनी है यानी जो खुदावन का ये चिराग है या जो कलीसिया है या हम जो हैं हम से रोशनी जो है दुनिया तक पहुंचती है या हम हैं वो चिरागदान या कलीसिया है वो चिराग जिसके वसीला से क्या है दुनिया तक रोशनी पहुंचती है। तो ये जो रोशनी है या ये पैगाम जो है हमें दुनिया तक लेके जाना है। और कलीसिया जो है वो एक जरिया है यानी ये कलाम जो है हमारे पास है खुदा के खादमों के पास है, वो कलीसिया तक पहुंचाते हैं खुदा के खादम। और आगे जो कह लें हम जो है कलीसिया जो है वो दुनिया तक लेके जाती है या हम जो है खुदा का बदन है, है ना। तो इसलिए ये चिरागदान जो है ये एक जो है कह लें कि बहुत जरूरी है कलीसिया में या हम जो है। और ये चिरागदान असल में क्या है ये खुदा यीशु मसीह है, ठीक है। जो 7 रूहों के बारे में हमने सीखा था ये मेरा ख्याल आपको थोड़ा नजर आया होगा कि जो बीच का है हिस्सा वो भी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, लेकिन पहले आप थोड़ा इसको देख लें कि असल में जो बीच वाला चिराग है वो खुदा यीशु मसीह है और जो साइडों पे है वो रूहें हैं खुदा क्या कहते हैं
जो खुदावंद यीशु मसीह की रूहें हैं। ये देखें, ये चिरागदान है जो क्या है, सात कलीसियां हैं, उनमें जो चिरागदान है, तो असल में क्या है, हर कलीसिया में खुदावंद यीशु मसीह है, हर कलीसिया में खुदावंद यीशु मसीह काम कर रहा है, या वो खुदावंद यीशु मसीह की वो बदन है। जैसे हमने इस पिक्चर में देखा कि खुदावंद यीशु मसीह असल में बदन है और बाकी के चिरागदान या ये चिरागदान हम जो कलीसिया हैं वो यीशु मसीह का बदन है, वो हिस्सा है हम उसका। हम उससे जुदा होके कुछ भी नहीं कर सकते, हम दुआ में बोलते हैं ना, हम उससे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक हवाला हम पढ़ते हैं। सनिया आप निकालना, सनिया है हमारे साथ, सनिया ही है हमारे साथ रीडिंग में उर्दू में, सॉरी मैं भूल गई। चलिए अंजना आप, ओके अंजना आप निकालना योहन्ना की इंजील, यानी ये सात चिरागदान जो हैं, या पहले हम यसाया की किताब जिसमें हमें पता चलता है कि ये सात रूहें हैं, और मकाशफा आप पांच बाप उसकी छह आयत निकालना जिससे हमें पता चलता है, मकाशफा पांच बाप उसकी छह आयत निकालना, यही चैप्टर रेवलेशन, हाँ जी रेवलेशन उसका पांच बाप उसकी छह आयत, जिससे हमें वाजिया हाँ पता चलता है कि खुदा यीशु मसीह ही वो सात रूहें हैं, वो सात सींग है। हाँ जी, अति में सिंहासन अति चौहान जंतुआ दे विचाले अति उन बुजुर्गां दे विचाले एक लेले नु जो मानुक होया होया गया सी खलोता वेख्या जेदे सत सिंह सत अखियां सन, ए परमेश्वर दे सत्ते आत्मे हन जेड़े सारी धरती विच कल्ले हुए हन। आमीन आमीन। हाँ जी, यही खुदावन यीशु मसीह है वो जो सात रूहें हैं, और यही क्या है कलीसिया के ऊपर या मसीहियों के ऊपर जो खुदावन यीशु मसीह में आ जाते हैं लोग, उनके ऊपर ये सात रूहें ही ठहरी हुई हैं, और यही क्या है खुदावन यीशु मसीह, यही क्या है वो आंखें हैं, यही वो सींग है, यानी कि जोर है, ताकत है, कुदरत है, हशमत है ना, खुदावन यीशु मसीह की यही सात रूहें हैं, ये जो सात रूहें हैं असल में क्या है, ये खुदावंद यीशु मसीह का बदन है, और यही हमें तैयार करेंगे, ठीक है। सात रूहें, जैसे पहले भी थोड़ी सी हमने इस पे बात की, और यही सात रूहें जो हैं खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ठहरी हुई है, और अगर खुदावंद यीशु मसीह उस कलीसिया में है या हमारे अंदर है हमारे बदनों में, तो ये सात रूहें हमारे ऊपर ठहरी हुई है ना। और खुदावंद यीशु मसीह सर ये कुछ कहना है, नीलमा वैसे कह रही कैमरा ऑफ कर दे, इसका कैमरा ऑन है, ओके ओके सॉरी, चलें ठीक है। तो ये सात रूहें जो हैं हमारे ऊपर ठहरी हुई है, कलीसिया पे या चर्च पे ठहरी हुई है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उस चर्च में या उस कलीसिया में है, है ना। तो अब इन थोड़ी सी रूहों के बारे में या खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, कि खुदावंद यीशु मसीह की जो कह लें बादशाही है, या खुदावंद यीशु मसीह जो है वो किस तरह इन कलीसियों में काम कर रहे हैं, हम थोड़ा एक दो आयत पढ़ते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 18 बाब उसकी 36 आयत में हम पढ़ते हैं। हाँ जी, यूहन्ना की इंजील 18 बाब। हाँ जी, यीशु ने उत्तर दिया कि मेरी पातशाही इस जगत तो नहीं, जे मेरी पातशाही इस जगत तो होंगी ता मेरे नौकर लड़ दे, जो मैं यहूदियां दे हवाले ना कीता जांदा, पर हुण मेरी पातशाही ता अथो दी नहीं। हाँ जी, बेशक यानी ये खुदावन की सात रूहें जो हैं हमें कह लें तैयार कर रही हैं, या हमें तारीकी में से निकाल के बादशाही में ले आई हैं, लेकिन खुदावन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है, क्योंकि ये दुनिया क्या है, हमने पीछे सीखा था कि ये शैतान के कब्जे में है, तारीकी की कह ले रूहों उसके कब्जे में है। तो
तो खुदाम यीशु मसीह की बादशाही जब शुरू होगी तब ये तारीकी जो है वो नहीं रहेगी, तब खुदाम यीशु मसीह की जो बादशाही है वो शुरू होगी। लेकिन अभी क्या है, हम नूर की तरह चमक रहेंगे। ये चिरागदान या कलीसियां जो हैं ये इस दुनिया में रहते हुए चमक रहे हैं, लेकिन जो तारीकी पे जैसे कह लें जब ये खत्म होगी, जब इसका दौर जो है खत्म होगा, फिर खुदाम यीशु मसीह की बादशाही जो है वो शुरू होगी। एक और हवाला हम पढ़ते हैं, कुलसियों पहला बाब उसकी 13 आयत। कुलसियों, हाँ जी, पहला बाब उसकी, ये छोटी छोटी जो एंड में किताबें हैं उसमें है। हाँ जी, इफ्सियों के बाद फिर अफसियों के बाद फिलिपियों के बाद, हाँ जी, फिलिपियों के बाद, हाँ जी, हाँ जी, मिल गया बाजी। हाँ जी, पहला चैप्टर उसकी 13 आयत, कुलसियों पहला बाब उसकी 13 आयत। अति सानू अंधकार दे वस विच छुड़ा के अपने प्यारे पुत्र दे राज विच पहुंचा दिता। हाँ जी, यानी हम क्या थे, पहले तारीकी के कब्जे में थे, है ना, जिस तरह हम बात करें कि शैतान के कब्जे में है अभी जो ये दुनिया है, शैतान के कब्जे में अभी खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही नहीं है, लेकिन हमें खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से तारीकी से छुड़ा के उसके कब्जे में से छुड़ा कर हम क्या हैं, खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही में दाखिल हो गए हैं, बेटे की बादशाही में दाखिल हो गए हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही जो है अभी आएगी, यानी रूहानी तौर पे हम उसकी बादशाही में दाखिल हो गए हैं, है ना। तो हम क्या हैं, अब तारीकी के नहीं रहे, हम क्या हैं, अब नूर के फर्जंद जो हैं बन गए हैं। एक और हवाला हम पढ़ते हैं, दूसरा करंथियों 4 बाब और उसकी 4 आयत। दूसरा करंथियों 4 चैप्टर 4 4 इना विच इस युग दे इच्छड़ ने बेपरतीतियां दी बुद्धा अनियां कर दित्तियां, मते मसीह जो परमेश्वर दा स्वरूप है उसदे तेज दी खुशखबरी दा चानण उना उते प्रकाश होवे। हां जी, यानी पहले क्या थे हम, यानी ये जो जहान है, ये जो दुनिया है, जो इसने क्या किया था, हमारी अकलों को क्या किया, अंधा किया हुआ था। लेकिन अब क्या है, हम खुदावंद यीशु मसीह में जब दाखिल हो गए हैं या उसके बदन में जब शामिल हो गए, तो अब हमारी अकलों के ऊपर से क्या है, जिसने वो पर्दा गिराया हुआ था, तो वो क्या है, जो अब अंधे थे पहले, है ना, खुदावंद के भेदों को या मकाशपात को वो हम नहीं समझ सकते थे, लेकिन अब क्या है, इन रूहों के वसीला से, यानी ये जो क्या है, समझ की रूह है, कुदरत की रूह है, खुदावंद के खौफ की रूह है, हिकमत की रूह है, मशवरे की रूह है, यानी और इलम की रूह है, ये क्या कर रही है, हमारे हमें आजाद कर रही है, हमें कह लें कि खुदावंद यीशु मसीह की मानिंद बना रही है। यानी पहले क्या थे हम, बेअकल थे, हम ना समझ थे, है ना, लेकिन अब जो है हमारे अंदर खुदावंद की हिकमत जो है वो आ रही है, खुदावंद की समझ जो है वो आ रही है, खुदावंद जो है हमें हर काम में हमारी कह लें रहनुमाई कर रहा है, हमें मशवरे दे रहा है, हमारी काउंसलिंग जो है कौन कर रहा है, खुदावंद खुद कर रहा है, है ना। और इलम जो है, यानी नॉलेज की रूह जो है, यानी वो क्या है, हमारे इलम को कह लें बढ़ा रही है, और हमारे ऊपर खुदावंद की जो ये कह लें भेद जो हैं वो खुल रहे हैं। लेकिन अगर किसी एरिया में, इसका मतलब है कि अभी भेद ये नहीं खोल रहे, तो इसका मतलब है कि वो वाली रूह को अभी हम जैसे कह लें इजाजत नहीं दे रहे कि हमारे ऊपर वो भेद जो है वो नहीं खुल रहे, है ना। तो ये जो मनोरा है या ये जो चिराग है, चिरागदान है, ये असल में क्या है, खुदावंद यीशु मसीह। इस पिक्चर में हमने देखा कि वो क्या है, असल में खुदावंद यीशु मसीह है, और उसके ऊपर क्या थी, अभी हमने मकाशपा की किताब में पढ़ा कि उसके ऊपर वो 7 रूहें ठहरी हुई थी, यसाया की किताब में भी हमने पढ़ा कि वो 7 ये जो रूहें हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ठहरी हुई थी, और वही 7 रूहें क्या हैं, कलीसिया के ऊपर ठहरी हुई, है ना। यानी समझ की, खुदावंद की कुदरत की, खुदावंद के डर और खौफ की रूह, और हिकमत की, काउंसलिंग की,
यानी और इलम की रूह जो है वो क्या है, हमारे ऊपर ठहरी हुई है, कलीसिया के ऊपर, चर्च के ऊपर, या फर्दर अगर हम लें हमारे ऊपर जो है वो ठहरी हुई है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा यीशु मसीह की मानिंद बने तो इन रूहों को काम करने दें, अपनी समझ से कुछ ना करें, ये जो समझ की रूह है, अंडरस्टैंडिंग की जो रूह है, इसको काम करने दे अपनी जिंदगी में, खुदावंद की कुदरत को, उसकी पावर को, उसकी कुवत को जैसे कह लें अपनी जिंदगी में काम करने दे। अपने जोरे बाजू पे हम क्या करें, जो क्या कहते हैं, भरोसा ना करें, है ना, तवक्कुल ना करें, बल्कि किसकी ताकत से, किसकी पावर से करें, सब कुछ खुदावंद की कुदरत से ताकत से करें, है ना। और खुदावंद की हिकमत, जैसे अभी हमने जो मेरा ख्याल है कुलसिया में उसमें दूसरा क्रंथियों में पढ़ा कि क्या थी अकल, यानी दुनिया की अकल से नहीं, हमें खुदावंद की हिकमत से, खुदावंद की अकल से जो भी फैसले करने हैं वो खुदावंद की अकल से करने हैं, यानी इस रूह के वसीले से करने हैं, या उस रूह को काम करने दें, है ना। मशवरा यानी काउंसलिंग की जो रूह है, या मशवरा करना है तो किसी दुनियावी बंदे से ना करें, खुदावंद पाकरू से मदद मांगे। वो हमारे जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी मुश्किल आ गई है, परेशानी आ गई है, तो खुदावंद से रूह, खुदावंद के रूह से मदद मांगे, खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू मेरी रहनुमाई कर, मेरी काउंसलिंग कर कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, या ये मैं करूँ या ना करूँ, है ना। तो ये क्या है, काउंसलिंग की जो रूह है, जो मशवरा देने की रूह है, रहनुमाई की जो रूह है, ये हमारी मदद करे हर काम में, हर बात में, कुछ भी हमारी जिंदगी में हो रहा है तो इसको काम करने दे, बजाय ये कि हम दुनिया के जो कह लें कि समझदार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनसे मशवरा करने चाहे, हमें जो या तो खुदावंद में आपको पता है कि हाँ जी इसके अंदर ये काउंसलिंग की रूह जो है काम कर रही है, ये अच्छा मशवरा खुदावंद के डर और खौफ में रहते हुए मुझे दे सकता है, उस बंदे से करें या उस खुदावंद के खादम से, या फिर खुद खुदा से बातचीत करें और कलाम से उससे जवाब मांगे या मशवरा जो है मांगे, है ना। और नॉलेज की रूह यानी खुदावंद का इलम जो है, जैसे हमें पता है कि जो इब्लीस है उसके पास बड़ा इलम है, बड़ा नॉलेज है ना। तो जैसे उसने कहा था कि हवा को बहका लिया था, है ना, कि मैं तो असल में चाहता हूँ कि तुम्हारे पास भी इलम हो, तुम्हारे पास भी नॉलेज हो, या तुम भी फिर खुदावंद की मानिंद बन जाओगे, इसलिए उसने उसको कहा था कि वो फल जो है खा ले, है ना। तो इसलिए उसकी अकल को, उसकी उसके इलम को इस्तेमाल ना करें, जैसे शायद आपने एक बात सुनी हो कि जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं या फलसफे की किताबें पढ़ लेते हैं या साइंटिस्ट, आपको पता है वो खुदा की खुदा को नहीं मानते, क्योंकि उनके पास दुनिया का इलम इतना ज्यादा होता है कि वो खुदा को नहीं मानते, वो समझते हैं कि सब कुछ ये दुनिया तो ऐसे ही बन गई थी, एक धमाका हुआ था तो ये दुनिया जो बन गई थी, तो वो खुदा को फिर नहीं मानते। इसलिए इलम जो है वो उसके पास बहुत है, यानी शैतान के पास जो है, तो हमें दुनिया का इलम नहीं चाहिए, हमें किसका इलम चाहिए, नॉलेज किसका चाहिए, खुदावन का चाहिए। इसलिए जो कलीसिया है या हम जो हैं, हमारे पास खुदावन का नॉलेज होना चाहिए, जितना ज्यादा हम जैसे कह लें ये कलाम है उसको पढ़ें, उससे नॉलेज लें, बजाय के किताबें पढ़ते जाएं, दुनिया की जो ये बड़ी कई क्या कहते हैं दुनिया का जो नॉलेज है उसके लिए किताबें जो है ना पढ़ें, या उसके लिए उसके इलम को हासिल ना करें, है ना। वो क्या करती है, हमें खुदा से दूर ले जाती है। फिर जो है खुदावंद के खौफ की रूह, ये कह लें मैं कहूँगी कि ये बाकी भी चीजें जो है, यानी अंडरस्टैंडिंग की और पावर की, काउंसलिंग की, विजडम की, ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन जो मैं कहूंगी कि देखें इनको संभाला किसने हुआ है, यानी एक तो खुदावंद यीशु मसीह है, ये जो नीचे स्टैंड जैसा जो है ये खुदावंद यीशु मसीह है, लेकिन मैं कहूंगी कि खुदावंद का जब डर और खौफ हमारी जिंदगी में होगा तो ये आपको थोड़े छोटे छोटे कह लें फूल से नजर आ रहे हैं ना, तो तब हमारी जिंदगी में क्या होगा, जो फ्रूट है, जो फल है हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगे। तब क्या है, हम जैसे वो 15
यूहन्ना की अंजील और उसके 15 बाब में जब हम पढ़ते हैं कि क्या है, जो डाली मुझ में जुड़ी रहती है वो फल लेके आती है ना, तो बिल्कुल उसी तरह अगर हमारी जिंदगी में खुदा का डर और खौफ है तो फ्रूट आना शुरू हो जाएंगे, फल जो है खुदा यीशु मसीह के वो हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगे। और जो इलम है, अगर खुदावन का नॉलेज है तब भी हमारी जिंदगी, नहीं तो क्या है, दुनियावी फल जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। तो हमें संभाला किसने हुआ है, हम किस पे खड़े हैं, या हमारी जड़ें जो हैं, हमारा रूट जो है वो किस में जुड़ा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह में अगर हम जुड़े रहेंगे। जैसे कि ये क्या है, स्टैंड जिस पे हम खड़े हैं वो क्या है, खुदावंद यीशु मसीह है, और उसमें जो जुड़ा रहेगा उसकी जिंदगी में फल आएंगे। ये जो फूल जैसे कहने नजर आ रहे हैं हमें थोड़े से, तो तब हमारी जिंदगी में जो फल हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं कहूंगी कि इनको एक तो खुदावंद यीशु मसीह है, लेकिन ये जो रूहें हैं, यानी नॉलेज की रूह, इलम की रूह और खुदाम के डर और खौफ की रूह, ये बहुत मैं कहूंगी कि स्ट्रांग है। बाकी भी सब हैं लेकिन ये ज्यादा कह लें स्ट्रांग है कि इन्होंने जैसे कह लें उनको भी कवर किया हुआ है, उनको भी संभाला हुआ है। तो इसलिए खुदावंद का डर और खौफ सबसे पहले हमारी जिंदगी में होना चाहिए। तो इसके ऑपोजिट क्या है, हम क्या करते हैं, हम शैतान से डरते रहते हैं, उसका खौफ हर बात का हमारे दिल में खौफ होता है। तो इसका मतलब है कि फिर हमारी जिंदगी में खुदा के फल जो हैं वो नजर नहीं आएंगे, है ना। हम दुनिया, हम कहते हैं वो नहीं, डॉक्टरों का भी तो बड़ी अक्ल है ना, या जैसे दुनिया के पास भी तो बड़ी हिकमत है ना, इलम है। तो अगर हम दुनिया की अकल से चलते रहेंगे, जैसा कि अभी हमें ग्रंथ उसके खत में पढ़ा, तो क्या उसकी अकल को अंधा किया हुआ है, है ना, इस जहान की अकल ने अंधा किया हुआ है। तो इसलिए हमें ये वाला इलम जो है वो नहीं चाहिए, हमें खुदावंद का इलम चाहिए, खुदावंद में हम मजबूत हों। और ये स्पिरिट जो है, रूह जो है, नॉलेज की रूह, इलम की रूह, इसको अपनी जिंदगी में काम करने दें, नहीं तो क्या है, हम कह लें खुदावंद में कायम नहीं रह सकती, हमारी जो जड़ें हैं वो खुदावंद के जैसे खुदा यीशु मसीह में जुड़ी नहीं रहेंगी। तो अगर हम चाहते हैं तो असल में ये जो 7 रूहें हैं यही हमको खुदावंद से जोड़े हुए हैं। तो जब तक आप या मैं इसको काम नहीं करने देंगे, इन रूहों को मशवरा खुदावंद से नहीं करेंगे, इस रूह को काम नहीं करने देंगे, हम परेशानी आती है, दुख आती है, तकलीफ आती है, तो हम जल्दी से घबरा जाते हैं और इधर उधर भागना शुरू कर जाते हैं। तो हमारे तो अंदर ये रूहें हैं हमारे ऊपर, जैसे कह लें जब हम मसीह में आ जाती हैं तो ये खुदावंद ने मुकर्रर की हुई है हमारी मदद के लिए, कि मशवरा करना है तो खुदावंद से मशवरा करें, खुदावंद की इस रूह से मशवरा करें, कि खुदावंद पाक रूह जे क्या कहते हैं नॉलेज काउंसलिंग की रूह मेरी मदद कर, मैं इस मसले को कैसे हल करूं, है ना, मैं खुदावंद में कैसे आगे बढ़ूं, मेरी रहनुमाई कर। तो इस रूह को काम करने दे, दुनिया के समझदार लोगों के पास ना जाए, है ना। फिर हिकमत जो है क्या है, वो खुदावंद है, खुदावंद की जो रूह है उसको काम करने दे, कभी भी इधर उधर ना भागे। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर कह लें खुदावंद यीशु मसीह है। अगर आप कहते हैं तो ये 7 रूह हैं जो क्या हैं वो हमारे अंदर काम करनी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे हमने सीखा कि हम काम करने नहीं देते, हम इजाजत नहीं देते, हम अपनी ही ताकत पे भरोसा करते हैं और हम अपनी ही समझ से सारे मसलों को हल करने की कोशिश करते हैं, और हम क्या करते हैं, उलझे रहते हैं, हम अपनी समझ जैसे कह लें या दुनिया की समझ को इस्तेमाल करते रहते हैं, तो फिर हमारे मसले हल नहीं होते, हम हर वक्त दुखी, दर्द में, तकलीफ में, और जैसे कह लें कि परेशानियों में घिरे रहते हैं, बोझ के नीचे थपे दबे रहते हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं, हम अपनी समझ को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम खुदावंद की इस रूह को इजाजत नहीं दे रहे कि वो हमें समझ दे, खुदावंद हमारे साथ बोले, खुदावंद का पाक रूह जो है, ये रूह जो है, समझ की रूह जो है, हमारी जिंदगियों में काम करे। तो इसलिए और खुदावंद की कुदरत, ताकत, हम
अपने बाजू में, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करती हूँ, है ना, ये मैं जो है, हम दूसरों को कहते हैं तू नहीं ये कर सकता, मैं कर सकती हूँ। हम हर काम को जैसे कह लें अपने जोर से करना चाहते हैं, हम सारे घर की कहते हैं कह लें के काम जो है वो करना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि मेरे अंदर सारी पावर है, मेरी बड़ी जैसे कह लें ताकत है मेरे अंदर, और हम दूसरों को काम नहीं करने देते अपने। जैसे कह लें मैं अपनी भी बताऊं, मैं भी ऐसे करती हूँ कि मैं बच्चों से काम नहीं कराती, मेरी कोशिश होती है मैं ही कर लूं, क्योंकि बच्चों ने देर लगानी है या गलत कर देंगे, कंध डाल देंगे, है ना, और मैं इसको जैसे कह लें अपने उस पर भरोसा करती हूँ ताकत पे, या तो ये नहीं होना चाहिए। हमें सब मिलके, जैसे ये सात रूहें क्या कर रही हैं, मिलके हमें यीशु की मानिंद बना रही हैं, है ना, ये एक रूह नहीं, खुदावंद की सात रूहें हमें मिलके खुदावंद यीशु मसीह की मानिंद बना रही हैं। इसलिए फैमिली भी जो है या चर्च जो है या कलीसिया जो है वो सब मिलके काम कर रहे हैं, है ना। तो हमें अपनी ऊपर जैसे कह लें, जैसे मूसा जो था जब फैसले, सॉरी मैंने टाइम बहुत ज्यादा ले लिया है बस थोड़ा सा हम बात करके इसको खत्म करते हैं। तो मूसा जब तक अकेले फैसले करता रहा तो वो क्या था, थक जाता था और चिड़चिड़ा हो जाता था। तो हम भी जब अपने जोर से अपनी ताकत से ये सब कुछ समझदारी से करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या है, थक जाते हैं हमारे अंदर, क्योंकि एक जिस्म है हम, है ना, हमारे अंदर इतनी पावर नहीं है, तो फिर हम क्या है चिड़चिड़े हो जाते हैं हम, फिर हमारे अंदर वो एक जैसे कह लें दूर हो जाते हैं, मतलब चिड़चिड़ापन आएगा, हम तनकीद करना चुनेंगे हमारे अंदर क्या ले, मेरा ख्याल लड़ाई झगड़ा या इस तरह की जड़े सारी जो बातें हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए खुदावंद की कुदरत से, उसकी ताकत से, उसकी पावर से जब करेंगे तो हमारे काम जो है आसान होना शुरू हो जाए। अपने बाजुओं पे ना सब कुछ उठाते रहे, मैं खुद भी अपनी बात कर कि मैं भी ऐसे करती हूँ, तो मिलजुल के हम सारे काम जो हैं करें, जैसे मूसा को फिर उसने क्या किया था, खुदा के जो बुजुर्ग थे, खुदा के जो खादम थे उनको चुना था, वो भी मूसा के साथ हेल्प के लिए खुदा ने चुना था। तो उसके अंदर भी देखें क्या थी, मूसा के अंदर जो रूह थी वो उनके अंदर बुजुर्गों के अंदर डाली थी, है ना, और वो उसकी समझ से थी। बिल्कुल इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह क्या है, असल में सात रूहें उसके ऊपर ठहरी है, और खुदावंद यीशु मसीह ही हमें, उससे ही हमें ताकत और जोर लेके ये सात रूहें हमारी मदद कर रही हैं। तो इसलिए इनको काम करने दें, हम अपने जोरे बाजू पे ना भरोसा करें ताकत पे, है ना। तो ये सारी जो रूहें हैं असल में ये क्या है, ये कलीसिया में काम करनी चाहिए, ये कलीसिया में या हम जो फर्दन हैं उनके अंदर, हमारे अंदर ये काम करेंगी तो वो क्या करेंगी, हम चिरागों की तरह रोशन होंगे, हम चिरागों की तरह दुनिया में और कलीसिया में रोशन होंगे। तो जिस तरह वहां पे रोशनी किस रहकल में होती थी, चिरागदान की वजह से होती थी, है ना। तो इसलिए हम भी क्या हैं, हम चिराग हैं, हम दुनिया का क्या है, नूर है। तो हमारे अंदर से ये रोशनी तब निकलेगी जब इन रूहों को हम काम करने देंगे, है ना। तो खुदावंद जो है हमें जैसे कह लें मुख्तलिफ तरीके से, ये जो सारा हमने एक एक वर्ड्स पे कह लें थोड़ी थोड़ी बात की, ये असल में खुदावंद क्या है हमें समझा रहा है, हमसे बात कर रहा है, हमसे कलाम कर रहा है कि कलीसिया के जरिए, खुदा के खादमों के जरिए, कि मैं क्या हूँ, जल्दी आने वाला हूँ। तो इसलिए कलीसिया जो है या हम मसीही जो क्या है वो रूहानी तौर पे तैयार हों, हम जिसमें भी जिस हालत में भी हैं, खुदावंद कह रहा है कि हम तैयार हों, हम क्या हैं, ताकि हमसे वो क्या है, वो ताज जो है छीना ना जाए, हम जल्दी अपने आप को तैयार करें ताकि खुदावंद जो है जब आए तो हम हवा में उड़कर जो है उसका इस्तकबाल करने वाले हों। और ये जो कह लें जो लिखा है कि वो सुनने रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, ये जो वर्स है इसका मतलब यह है कि जो भी सुन रहा है वो सुनने सॉरी आयत में बोल गई कहाँ लिखा है, तो यानी जो भी हम सुन रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, है ना, इस कलाम को जिसके कान हो वो सुने, हाँ सॉरी। तो ये जो आयत है ये असल में क्या पेश कर रही है कि जो भी सुन रहा है
ये सिर्फ उनके मतलब उस वक्त बात नहीं हो रही थी या उन कलीसियाओं से बात नहीं हो रही थी, हम जो मसीही हैं नए अहदनामे के कह लें, या हम जो मैं और आप हैं, खुदावंद उनसे बात कर रहा है कि जिसके कान हों वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। तो अगर हमने ये कलाम को सुना है तो ज़रूर हम इस पे अमल करें, और ताकि खुदावंद जो है, खुदावंद की ये सात रूहें जो हैं इनको अपनी ज़िंदगी में हम काम करने दें, ताकि खुदा यीशु मसीह की ईमानी बने और उससे जुड़े रहें। क्योंकि अगर ये खुदा यीशु मसीह जो कि कभी डोलने वाला नहीं है, कभी ख़त्म होने वाला नहीं, वो अव्वल है, वो आखिर है, वो इब्तिदा है, वो इंतहा है, वो क्या है, वो ज़िंदा है, वो अब तक जिंदा रहेगा, तो ये जो नीचे स्टैंड है, जैसे कह लें कि वो उसकी उसको पेश कर रहा है कि कभी वो हिलने वाला नहीं है, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो अगर हम भी खुदावंद यीशु मसीह में जैसे कह लें कायम हैं, उससे जुड़े हुए हैं, तो कभी भी हम उस सहून की माने क्या है, अटल हैं, जिसको क्या है पहाड़ों ने घेरा हुआ है। तो हमें भी इन रूहों ने क्या किया हुआ है, घेरा हुआ है। हम कभी भी जैसे कह लें शैतान जिस तरह मर्जी आए वो हिलाने की कोशिश करे, गिराने की कोशिश करे, लेकिन हम क्या हैं, अटल हैं, सहून की मानिद, उस क्योंकि हम क्या हैं, खुदा यीशु मसीह में जुड़े हुए हैं। हम खत्म हो गए हैं और ये सब अब हमारे अंदर नजर आ रहा है, तो ये चीज जो है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। हम खत्म हो गए हैं, हमारा कोई वजूद नहीं है, ये सारा कुछ जो है अब क्या है, ये सात रूहें हैं या खुदा यीशु मसीह है अब हम, तो हमें इस तरह नजर आना चाहिए। हम खत्म हो गए हैं, हम मर गए हैं। जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो क्या है, हम तब मर जाते हैं, है ना, तब हमारे अंदर क्या है, खुदा यीशु मसीह जिंदा हो जाता है। तो मैंने टाइम काफी ले गया है, लेकिन ये आज चैप्टर जो है जैसे कह लें कि वो हमने खत्म किया और अब हम दूसरा चैप्टर मंडे को शुरू करेंगे। तो खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी बरकत दे और फजल दे कि हम जो ये सात रूहें हैं उनको अपनी जिंदगियों में काम करने दे। तो गॉड ब्लेस यू, बैक टू सुरैया। जी सुरैया है हमारे साथ? जी हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आने खुदावंद का शुक्र अदा करें आज के सारे कलाम के लिए, सारी खुदावंद की आवाज के लिए, सारे भेदों के लिए जो पाक रूह ने अपने बंदे में से होकर हम पर वाजिया किए, हम पर खोले हैं। आए खुदावंद का शुक्र अदा करें कि आज इसने एक दफा फिर इन सात चिराग दानों का भेद हम पर खोला है। आए खुदावंद का शुक्र अदा करें, यस हालेलुया, ताकि हम यसूअल मसीह में जुड़े रहें, हम उसकी मन बनते चले जाएं, ये रूहें हमें काम करती चली जाएं, हम इनको अलाउ करें, हम इनको इजाजत दें, हम दुनियावी स्टडी को अपने ऊपर हावी ना करें, हम दुनियावी बातों को अपने लिए जरूरी ना समझें, हम साइंस पर तवज्जो ना करें, हम साइंस पर अपने कान ना लगाएं, हम गलत तालीम पर अपने कान ना लगाएं, हम उन सात चिरागदानों की तरफ देखें, हम उन सात रूहों की तरफ देखें, हम उस चिरागदान की तरफ देखें जो उन सात चिरागदानों में घूमता फिरता है। आए उस पर अपनी आंखें लगाएं, उस पर अपनी सोचों को मरकूज करें, उन पर अपनी सोचों को लगाएं, उन पर अपने दिल को लगाएं, यीशु मसीह के नाम से, यस माय लॉर्ड, हालेलुया। और वेरी वेरी जियरे शिंदर बरजे, खुदावन का शुक्र अदा करें कि हमारा खुदावन हमारे दिल के मुताबिक हमसे कलाम करता है, हमारे सोचों से भरकर हमसे कलाम करता है। आइए खुदावंद का शुक्र अदा करना शुरू करें और कहें खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे कलाम की बातों के लिए, बख्शते क्या उसे कहें कि खुदावंद बख्शते क्या बाप, मैं तुझमें जुड़ी रहूं, मैं तेरे साथ चलती रहूं, मैं तेरे साथ जुड़ी रहूं, मैं ताकि मैं भी खुदावंद जो तू मेरे अंदर जो तूने रोशनी लगाई वो दूसरों तक मुनक्कस हो, वो दूसरों तक पहुंचे, मैं दूसरों तक तेरे कलाम को लेकर जाऊं, मैं दूसरों तक तेरी स्टडी को लेकर जाऊं, मैं दूसरों तक तेरी होलीनेस को पहुंचाऊं, मैं दूसरों तक तेरी रोशनी को लेकर चलूं, यीशु मसीह के नाम से, यस माय लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र अदा करें, इसी तरह हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं फिर से शाहिन के लिए, सारे कलाम के लिए, सारी आवाज के लिए, और मैं सिस्टर सोनिया से रिक्वेस्ट करती हूं कि वो आए और आगे दुआ में हमें लीड करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी।
Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 Lord. Şimdi boru 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 ziri biri kara para 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 para. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Khudavand de tareef wala Jesus de dhanwar. Khudavand zinda khuda wala Jesus de dhanwar. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Khudavand de tareef, 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 tareef wala Jesus. Hallelujah. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਲੋ ਜੀਸਸ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਲੋ ਜੀਸਸ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਮਹਿਮਤ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲੋ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲੋ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲੋ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲੋ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ 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 ਲੋ Hallelujah, Lord. Praise the 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 Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Khudavand di tareef hove, khudavand da dhanwad hove, Lord Jesus. Har din waste, samay waste, khudavand Lord Jesus. Jo tu sanu saare nu ajj phir ikattiyan kita, Lord Jesus, te dhanwad khudavand tu sade diya kiti ki assi teri is hazuri ch aa sakiye, Lord Jesus, tere bachan nu sun sakiye, Lord Jesus, te dhanwad, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord. Khudavand di tareef, Lord Jesus. Teri daya, tere pyar, tere mohabbat waste, Lord Jesus, te dhanwad, khudavand. Khudavand te dhanwad, Lord Jesus. ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਚੁੱਠੀ ਗਿਲਟ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆ ਤਾਜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Khudavand di tareef, 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 Lord Jesus. Khudavand de dhanwad, Lord Jesus. De bachan waste, Lord Jesus. De dhanwad, Khudavand. Ki assi duniya di cheezan wal, duniya de jo bhi vichar hai, jo unhan de jo bhi jo ne sikhiyaan si unhan wal na akarshit ho jiye, si unhan wal attract na ho jiye. So, Khudavand, assi tere wal, Khudavand, attract hoiye. Khudavand, assi apne ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹੀਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦਮਨ ਕੁਆਇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਬਚਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਧੰਨਵਾਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah, Lord Jesus. ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰੀਏ ਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ ਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਬੁਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਦੇਖਿਆ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇ ਧੋ ਦੇ ਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਾ ਝੋਟਾ ਹੀ ਜਾਈਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਸਕੀਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚ ਬੈਠ ਸਕੀਏ ਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਹ ਚੋ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ
yes, Lord Jesus. Kudamandi tarif over your Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया लॉर्ड जीसस खुदावन खुदावन जिस तरह तेरे बचन च लिखिया कि वो लंबे लंबे चोले पाके कमदे उन्होंने उच्ची उच्ची दुआवां करदे पर उन्हें दिल में तो बहुत दूर है पर खुदावन असि भी उस तरह दे ना बांचिए खुदावन सगो असि दिलो खुदावन तेनु प्यार करने वाले हुईए खुदावन ओ लॉर्ड जीसस असि दिलो खुदावन तेरे नाल हुईए लॉर्ड जीसस असि दिलो तेरे बचना दे चलन वाले हुईए खुदावन असि दुनिया नु पसंद होने वाले नहीं सगो खुदावन तेनु पसंद होने वाले बन जिए लॉर्ड जीसस हालेलुया Oh yes, Lord Jesus, Kudaban. Kudaban, si tenu pasanda ye, Lord Jesus, hallelujah. Kudaban, si teri marji na apni zindagi ch pura kariye, Lord Jesus, hallelujah. Oh yes, Lord Jesus, si kise vaste ni Kudaban, tere vaste tayar hoye, Lord Jesus, hallelujah. Oh Lord Jesus, tu sadde deya kar Kudaban, tu sadi madad kar, Lord Jesus, si tere bachna nu apni zindagi ch laku kar sake, Kudaban, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Praise Lord, praise Lord, praise Lord, praise Lord. Thank you, Jesus. God, Kudaban, is group of Kudam Hari member Nukudam, the Lohuchish Bondia, Lord Jesus, Hallelujah, Kudaman Josia, Kudam, the Tanvatka, the Kudaban, Junavia, Kudaman, O Lord Jesus, Uji Tevi Kudaman, or some Balikirak, Lord Jesus, Hallelujah, oh Lord Jesus, Kudaban, to Hari Knukudaman's Bal, O Lord Jesus, Kudaban. खुदावन कोई भी शैतान दी ताकत खुदावन साडे खिलाफ काम ना कर सके ओ लॉर्ड जीसस हर ओ रुकावटा हर ओ शैतानियां चालां हर ओ तीर खुदावन सी कैंसल कर दे यीशु मसीह नाच जो सानू इत्थे आउण तो रोक दिया लॉर्ड जीसस हालेलुया ओ यस लॉर्ड जीसस खुदावन सारे तीरां नू शैतान दे सारे तीरां नू असि तोड़ दिंदे इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया ओ यस लॉर्ड जीसस खुदावन तू सारा महान खुदा लॉर्ड जीसस तू सानू खुदावन जंग लड़नी सिखा खुदावन असि ओ जंग जू बन जाइए लॉर्ड जीसस जिहड़े तू सानू चाहुंदा खुदावन जो हर वक्त लड़ाई दे विच फतेह करके आंदा लॉर्ड जीसस हालेलुया ओ यस लॉर्ड जीसस खुदावन लॉर्ड जीसस ते तारीफ हो ओ लॉर्ड जीसस ते धन्यवाद होवे खुदावन लॉर्ड जीसस हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस लॉर्ड हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया 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 Hallelujah, Lord, praise the 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 Lord, Jesus, hallelujah, thank you, Jesus, Kudaban, Kudaban, Duhari, Kikinu, Kudaban, Shuh, Lord, Jesus, hallelujah, Kudaban, Duhari, Kikinu, Kudaban, Paak, Rurin, Aggrina, Pardhe, Lord, Jesus, Kudaban, Lord, Jesus, O, Agg, Kudaban, Sari, Dilan, Chubalde, Kudaban, Jari, Kadhi, Bhi, Bujhe, Na, Kudaban, Jho, Kadhi, Bhi, Thandi, Na, Ho, Sike, Kudaban, Koi, Bimari, Koi, Dukh, Takleef, Sante, Toh, Dour, Na, Kar, Sake, Lord, Jesus, Hallelujah, Lord, Jesus, Si, Hor, Bhi, Tach, Badde, Jaiye, Hor, Asi, Tach, Majboot, Hunde, Jaiye, Lord, Jesus, Hallelujah, Oh, Yes, Lord, Jesus, Koi, Bhi, Tangi, Parishani, Sardin, सानू तेरे तो दूर ना कर सके ओ लॉर्ड जीसस और मजबूत बना लो जीसस साडी कमजोरियां तो साडे च दूर कर लो जीसस थैंक यू जीसस यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस Lord Jesus, to sade cup no overflow kar de Lord Jesus, hallelujah. Kudaman to sanu kudaman toro taaza kar de Lord Jesus, hallelujah. Kudaman to sanu paak te pavitra banao Lord Jesus, hallelujah. Oh yes, Lord Jesus, kudaman eh sab kuch kudaman si teri deya de naal, teri pyar de naal hi kar sakde Lord Jesus, kyunki assi kosh vi nahi karn joge kudaman, par tu sade te deya kar Lord Jesus, hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Hallelujah, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, God. Kudaman te tarif hove te dhanwad hove o Lord Jesus. Sade din vaste, samay vaste o Lord Jesus. Kudaman te dhanwad o Lord Jesus. Teri hazuri vaste kudaman te dhanwad o Lord Jesus. Kudaman te tarif o Lord Jesus. Tu san sambhal ke rakhya kudaman. Lord Jesus, kudaman asi is jogni par kudaman tu sanu pyar karda kudaman. बहुत सारे गुनाह करते पर खुदावन तू साडे दया कर दे खुदावन ते धन्यवाद कर दे लॉर्ड जीसस हालेलुया Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kudaman tu har bhakt mehmat bade de jo kudaman Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, hallelujah. Kudam thi tarif hove. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Te tareef hove. Khudavan te dhanwad hove, Lord Jesus. Hallelujah. Khudavan. Assi aun bhai sabhi nu khudavan te hathaan vich saunp lende haan, Lord Jesus. Saadi zindagi sirf sirf teri marzi puri hove, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Khudavan. ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵਨ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਲਾ ਜੀਸਸ ਪਾ ਲਿਆ ਖੁਦਾਵਨ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਂ ਚ ਮੰਗਦੇ ਆ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ Praise the Lord. Hallelujah. ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੋ ਗੀਤ ਆਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੰਜਨਾ ਕੋ ਆਤਾ ਹੈ ਧੋ ਕੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰਦੇ ਇਹ ਜਬ मैसेज एंड किया है तो तब से मेरे दिल में आ रहा था तो इसको अगर हम थोड़ा सा गाएं या और किसी को आता है धो के गुनाह तो पाक कर दे हाँ जी थोड़ा सा गाना हालेलुया धो के गुनाह तो नवा कर दे Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Toh ke gunama to nawa kar de, nawa kar de. Amen, amen. Yes, ke naam. Ruh apni nu mere naal kar de, mere naal kar de. ਰੂਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇ ਤੋ ਕੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦੇ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦੇ ਤੋ ਕੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦੇ नवा कर दे मेरी आँख तामा मेरे सामने आवेंदिया तेरे वल बदल तो रोक दिया रेंदिया मेरी आँख तामा मेरे सामने आवेंदिया तेरे वल बदल तो रोक दिया रेंदिया सारियां रुकावटां परा कर दे यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस के नाम सारियां रुकावटां परा कर दे यस लॉर्ड कर दे यस के नाम रूह अपनी नू मेरे नाल कर दे मेरे नाल कर दे रूह अपनी नू मेरे नाल कर दे मेरे नाल कर दे तो के गुनावा तो नवा कर दे नवा कर दे Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. अब हमारे खुदाम का फजल उसकी तसल्ली उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे जब तक के खुदाम यीशु मसीह आने जाता आमीन मैंने जब अंजना ने इसको गीत को शुरू किया तो मुझे ऐसे जैसे मेरे बदन में ऐसे तीन दफा मैंने जो एक जैसे कहला खुदावन का मसा को उसके ऐसे करंट जैसे को फील किया और खुदावन ने जैसे मैंने उस रोशनी को और उस खुदावन के रूह को इस तरह देखा कि मुझे आज अपने ऊपर जैसे कह लें या अपने हम मैंने ग्रुप के ऊपर देखा है कि तीन तरह से खुदावन का रूह जो है
वो अपने जैसे कह लें जोर में, ताकत में, या उसका मसा जो है वो इस तरह आया कि जो खुदावन की समझ की रूह है, खुदावन की कुदरत की रूह और खुदावन की जो हिकमत की रूह है वो खुदावन ने हमारे ऊपर जैसे उसका मसा जो है डेला है। और खुदावन ने जैसे हमने इस गीत में भी गाया कि अलाउ कर दे, हम उसको काम करने दे, तो खुदावन ने वो सारी जो रुकावटें हैं वो दूर कर दी हैं और अब ये हमारी जिंदगी में काम करेंगे। जैसे कि मैंने खुद अपने लिए इकरार किया कि मैं इस तरह बहुत से एरिए हैं जिसमें अपने ऊपर भरोसा करती हूँ, तो खुदा उनकी कुदरत पे, ताकत पे जैसे कह लें भरोसा नहीं करती। तो खुदा ने मुझे जैसे कह लें टच किया है, मेरे ऊपर ये जो मसा है या खुदा उनका ये रूह है, खुदा ने उसका इख्तियार जो है मैंने उसको दिया है। तो इसलिए मेरा ईमान है कि आपको भी खुदा ने इस एरिए में या ये रूहे जो है खुदा ने उसका मसा हमारे ऊपर डेला है। जिसके पास यीशु है उसके पास ये सात रूहें हैं लेकिन हम उसको काम करने नहीं देते, तो इसलिए हम इस मसा को रिसीव करते हैं और इस खुदा के पाक रूहों को इजाजत देते हैं कि वो हमारी जिंदगी में काम करें। अगर आपको किसी तरह खुदा ने टच किया तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम, लेकिन मेरा ईमान है कि आज खुदा ने सबको ये जो रूहें हैं उनका जो मसा है जो पहले से ही हमारे ऊपर ठहरा हुआ, लेकिन हम इजाजत नहीं देते इनको काम करने के लिए, है ना। तो आज ने वो मसा हमारे ऊपर उंडेला है कि हम इनको अपनी जिंदगियों में अलाउ करें कि वो हमारी जिंदगियों के में काम करें, हमें ये सुखी माने बनाए। तो मुझे तो टच किया अगर आपको भी टच किया तो कह सकते हैं, नहीं तो फिर हम इस मीटिंग को बंद कर लें। हाँ जी जी सोनिया। हाँ जी, खुदावन ने मैनु भी टच किया। खुदावन धन्यवाद करते हैं जो तो प्रेगा दी सी जिदा मेरी बॉडी जिदा जो कुछ अजीब फील किया, मैं जिदा शेक कर लग किसी भी बॉडी और मैं परमेश्वर की हजूरी नु फील किया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी, मैंने भी बिल्कुल इस तरह देखा कि मेरे अंदर ऐसे जिस कुछ गया है और मेरे हिल रही हूँ और जो एक खुदावन ने एक हीट सी जो थी यानी उसका मसा जो था मेरे ऊपर इस तरह आके ठहरा है, तो इसलिए खुदा का मैं शुक्र करती हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद का मसा हमारे पूरे ग्रुप के ऊपर ठहरा रहे इसी तरह, और खुदावंद के पाक रूह, खुदावंद यीशु मसीह की रूह जो है वो हमारी जिंदगियों में काम करे। तो गॉड ब्लेस। प्रेज द लॉर्ड। बाबू जी, मैंने बहुत जब दिनों बाद ऐसे फील, दुआ में ऐसे फील किया, मतलब मुझे नहीं पता कि मैं प्रेयर कर रही थी, जैसे सिस्टर सोनिया कर रही थी, मैं मतलब अपनी प्रेयर करती तारी थी, खुदावन का शुक्र कर रही थी और खुदावन के रुख मैंने महसूस किया, खुदावन के हजूर को मैंने वाकई महसूस किया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड। जी बिल्कुल, मैंने भी खुदा की हुजूरी को बड़े जोर से महसूस किया। जी भैया, वो जब ये हम प्रेयर स्टार्ट की थी ना, क्या मीटिंग जब स्टार्ट की ना, तो मेरे दिल में ना ये बात आ रही थी कि इस गीत के तलक से ना कि धो के गुनाह, मुझे नहीं पता था कि सोनिया गाती है या अंजना गाती है, तो दिल में मतलब ये बात थी कि एंड में ना मतलब इसको कहा जाएगा, जो जिसको भी मतलब ये आता है ना, मतलब ये गाने के लिए ना, मतलब कहेंगे कि मतलब ये गीत जो ना गा दें, क्योंकि जिस दिन उस दिन भी मैंने मीटिंग प्रिजाइड की थी, मैंने दो दफा ये गीत मुझे मतलब दिल करा था मेरे गाने को ना,
तो मुझे नहीं, लेकिन मुझे आता नहीं था। तो जब मीटिंग स्टार्ट की तो मैंने ये इस बात को सोचा था कि एंड में ना जो मतलब शायद अंजना को और सोनिया के मुंह से मैंने सुना हुआ था, तो ये मतलब कहेंगे कि मतलब एंड में ना लास्ट में ये गीत ना वो गा दें। तो दान का शुक्र है कि वो मतलब हमारी दुआओं को सुनता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड जी। हाँ जी, एक दो दिन पहले भी मेरे गीत आ रहा था लेकिन मैं कहा नहीं। आज फिर पहले मैंने अरुषा से बोला, क्योंकि मुझे भी याद नहीं था आ रहा ये किसको गीत आता है, तो मैंने अरुषा को बोला, उसने कहा कि बाजी मुझे नहीं आता। तो मुझे याद नहीं था कि ये अंजना को आता है, लेकिन खुदावन देखे अजीब काम करता है। खुदावन का मैं शुक्र करती हूँ, क्योंकि ये एक मैं कहूंगी कि हमारे आज के मैसेज से कलाम से रिलेटेड था कि हम पाक और साफ हों और गुनाहों से, तब खुदावन जो है हमें तैयार कर रहा है, या खुदावन जो है उसके रूह को हम क्या करें, काम करने दे। तो इसलिए बड़ा मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ, प्रेज गॉड। तो जी, किसी और ने कुछ कहना नहीं तो हम फिर बंद करें मीटिंग का। ओके जी, ठीक, ओके, गुड नाइट जी।